फॉसिल फ्यूल सोर्सेस, न सिर्फ ये जो अर्बन सोर्सेस है, अर्बन सोर्सेस आपके शहरों से भी तो काफी ज्यादा नाइट्रोजन फास्फोरस मुख्तलिफ पॉइंट से आपकी कॉज हो रही है, अर्बन सोर्सेस। सो ब्रॉडली स्पीकिंग हमारे पास यूट्रोफिकेशन के दो मेजर कैटेगरीज है रिगार्डिंग इट्स सोर्सेस, पॉइंट सोर्सेज एंड द नॉन पॉइंट सोर्सेज। और इन तमाम सोर्सेज से आ क्या रहा है, इन तमाम सोर्सेज से डियर स्टूडेंट्स आपके पास फास्फोरस आ रही है, इन तमाम सोर्सेज से डियर स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन आ रही है, इन तमाम सोर्सेज से डियर स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रोजन आ रही है। और यही चीजें जब पानी के अंदर एंटर हो जाती हैं, तो एंटर होने के बाद ये पानी के अंदर यूट्रोफिकेशन का मसला, यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम कॉज करते हैं। और यूट्रोफिकेशन क्या है कि जनाब प्लांट्स की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है पानी के अंदर, और एलजी की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है पानी के ऊपर, पानी के ऊपर। क्लियर हो गया जी, यहां तक क्लियर है पार्टिसिपेंट्स यहां तक क्लियर है? ओके ग्रेट। अब इसी तरीके से नेक्स्ट लिखें प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन, हेडिंग बना लें स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन या इन यूट्रोफिकेशन, मैं इन यूट्रोफिकेशन ही लिख रहा हूं। स्टेप्स इन यूट्रोफिकेशन कौन कौन से स्टेप होते हैं, लेट्स सी। मैं यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे कोई वाटर बॉडी ले रहा हूं, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये कर रहा हूं कि मैं किसको उठा लू, फर्टिलाइजर को उठा लेता हूं, ठीक है। स्टेप नंबर वन कि कोई फर्टिलाइजर है जो किसी भी सोर्स से वाटर रन ऑफ के साथ बह के या किसी तरीके से फर्टिलाइजर जो है, फर्टिलाइजर्स या फर्टिलाइजर flows into the water body, कि फर्टिलाइजर ने क्या किया जनाब, वो किसी भी वॉटर बॉडी के अंदर फ्लो करके पहुंच चुका है। लेट से कि यहां पे पहुंच गया, ये फर्टिलाइजर है, इसके अंदर चला गया, किसी वॉटर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजर ऐड हो गया है, अब क्या होगा जी, अब इसके फर्टिलाइजर के ऐड होने की वजह से डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, आपका ये जो वाटर बॉडी है, अक्सर औकात जो शैलो वाटर्स होते हैं जिनकी डेप्थ जहां पे ज्यादा नहीं होती, इवन डेप्थ में भी होता है, आपके यहां पे छोटे छोटे प्लांट्स जो है वो मौजूद होते हैं, और जैसे ही फर्टिलाइजर यहां पे पहुंचेगा पानी के अंदर शामिल होगा, तो इसकी वजह से देयर विल बी इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ दीज प्लांट्स। तो स्टेप नंबर टू इज, जो कि स्टेप नंबर वन पे ही डिपेंडेंट है, यही फर्टिलाइजर क्या कर रहा है, इट लीड्स टुवर्ड्स द इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स and algae into the water body, in the water bodies, ठीक हो गया जनाब। भाई ये फर्टिलाइजर ही है ना जिसके अंदर फास्फोरस वगैरह मौजूद है, तो जब ये चीजें यहाँ पे ज्यादा जमा होना शुरू हो जाएंगी, ज्यादा मिकदार में होना शुरू हो जाएंगी, तो उसकी वजह से ये जो प्लांट्स मौजूद है छोटे छोटे, ये इनका साइज जो है, इनकी ग्रोथ जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, और इतनी ज्यादा होना शुरू हो जाएगी अक्सर औकात ये इधर से ही उधर इधर तक पहुंचाता है, यहां तक। और इधर ऊपर जो है एलजी डेरे डाल के बैठ गई। अब क्या होगा जी, फिर क्या होगा, दो स्टेप्स हो गए, फर्टिलाइजर भी चला गया, उसकी वजह से ग्रोथ भी इंक्रीज हो गई, फिर क्या होगा तीसरे नंबर पे, और भाई ये जो वाटर बॉडी है वो काका इसको लाइट भी तो चाहिए ना, लाइट आ रही है सूरज से, और इस सूरज की लाइट का पानी तक जाना जरूरी है। तो जब यहां पे ऊपर एलजी मौजूद है
यहाँ पे प्लांट ग्रोथ एक्सेसिवली हो चुकी है, तो दिस सोलर एनर्जी विल बी अनएबल टू पेनिट्रेट इनटू द वाटर बॉडी, वो नीचे नहीं जा पाएगी, पानी के अंदर नहीं दाखिल हो पाएगी, इधर ही इधर तक ही रहेगी, इधर तक ही रहेगी। और इधर छोटे छोटे प्लांट्स भी तो है ना, सारे सबका कद तो नहीं बढ़ जाता, छोटे छोटे प्लांट्स तो एग्जिस्ट करते हैं। तो जब यानी कि तीसरा स्टेप लिखेंगे, तीसरा इसके बाद, पहला फर्टिलाइजर, दूसरा इंक्रीज्ड ग्रोथ। अब ग्रोथ इंक्रीज होने की वजह से देर विल बी डिक्रीज इन लाइट, देर विल बी डिक्रीज लाइट, डिक्रीज लाइट कहां पे, कहां तक लाइट, ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर बॉडी। सरफेस ऑफ वाटर बॉडी, पानी के सरफेस तक जो है वो लाइट नहीं पहुंच पाएगी। ये तीन स्टेप्स हो गए। और भाई यहां तक क्लियर है, कोई मसला कोई परेशानी किसी को अभी तक? वही ना, सरफेस स्टेप थे की चीज होगी ना बच्चे। फिर क्या होगा जी, इसी तरीके से स्टेप नंबर फोर पे चले जाएं। अब स्टेप नंबर फोर पे चले जाएं। अब स्टेप नंबर फोर क्या होगा, लाइट ने भी पहुंचना छोड़ दिया है, तो इसके नतीजे में क्या होगा, इधर जो है वो आपकी लाइट की डेफिशिएंसी होगी, लाइट की डेफिशिएंसी होगी, लाइट की डेफिशिएंसी होगी। तो जब लाइट्स की डेफिशिएंसी होगी तो यहां पे जो छोटे प्लांट्स हैं दे विल डाई ऑफ, दे विल डाई ऑफ। प्लांट्स इन द बेसिकली लोअर लेवल्स ऑफ द वाटर बॉडी विल डाई ऑफ। लिखें, प्लांट्स इन द लोअर लेवल्स डाई ऑफ, मर जाएंगे, इतना खप गए, मर गए। ये स्टेप नंबर, ये चार स्टेप्स हो गए, लाइट नहीं पहुंची, प्लांट से मरना शुरू कर दिया। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर पांच नंबर पे। अब ये जो स्टेप्स, ये जो मरेंगे बेसिकली, इनकी डेथ हो गई है, इनकी डेथ होगी तो ये इधर ही मौजूद रहेंगे, यहां पे, यहीं पे मौजूद रहेंगे। जब ये यहां पे मौजूद रहेंगे तो ऑब्वियसली इनकी डीकम्पोजिशन तो होगी, इनकी डीकम्पोजिशन ने तो होना है। जब डीकम्पोजिशन हो रही है तो हम ये कहेंगे ना, जब कोई भी चीज डिके होगी, पानी के अंदर प्लांट जब डिके होंगे उनकी डीकम्पोजिशन होगी, तो उस डीकम्पोजिशन के नतीजे में, उस डीकम्पोजिशन के नतीजे में क्या होगा, इस जगह के अंदर ऑक्सीजन सारी की सारी इस्तेमाल हो जाएगी। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो डिकेइंग प्रोसेस के दौरान जो है वो सारी की सारी इस्तेमाल हो जाएगी, इस्तेमाल हो जाएगी। और ऑक्सीजन के बजाय यहाँ पे CO2 जो है वो ज्यादा मिकदार में हो जाएगी, CO2 ज्यादा हो जाएगी और O2, ऑक्सीजन जो है वो कम रह जाएगी। जब ऑक्सीजन कम रहेगी, CO2 ज्यादा होगी, तो ये पूरे का पूरा एनवायरनमेंट जो है, ये जो वाटर बॉडी के अंदर जो है चीजें हैं, यहाँ पे सफोकेशन प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगा, सफोकेशन प्रोड्यूस होगी। ऊपर से ना सफोकेशन बल्कि जो ऊपर एलजी मौजूद है, इट विल एड सर्टेन टॉक्सिन्स इनटू द वाटर। ये भी जो है वो टॉक्सिसिटी को एनहांस कर रही है, इधर भी आपके ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ओवरऑल ये पूरे का पूरा वाटर बॉडी जो है, इसका जो एनवायरनमेंट है वो सफोकेट हो जाएगा। सफोकेशन की वजह से आपकी, जब सफोकेशन होगी तो यहां पे जो मौजूद फिशरीज वगैरह है, हाउ दे आर गोइंग टू सर्वाइव, वो नहीं सर्वाइव कर सकेंगे। तो यहां पे आपके जो टोटल कितने स्टेप्स हुए, 1, 2, 3, 4 एंड फिफ्थ वन लिखें, फिफ्थ वन लिखें, अगर नहीं लिखा तो, कि डिके या डीकंपोजिशन ऑफ दीज डेड प्लांट्स कंज्यूम्स ऑक्सीजन एंड देयर विल बी द डिक्रीज और डिक्लाइन इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन टू द वॉटर बॉडी। ऑक्सीजन कम हो जाएगी और CO2 जो है वो ज्यादा हो जाएगी। ये स्टेप नंबर 4, 5 लिखें एंड स्टेप नंबर 6 लिखेंगे कि जब यहां पे सफोकेशन होगी तो उसकी वजह से द इंपॉर्टेंट फिशरीज विल डाई ऑफ। तो ये 6 स्टेप्स हैं आपके इस प्रोसेस के अंदर, लिख लिए भाई। मुकार 5 नंबर, ओके मैं रिपीट करता हूं। मैंने कहा कि बच्चे ये प्लांट्स डाई हो गए, ठीक है, these dead plants, sorry, die off, huh? The decomposition of plants will used up the oxygen, and it reduces the availability of oxygen into the water body.
into this particular environment, oxygen की मकदार जो है वो कम हो जाएगी। ये पांचवा स्टेप है। और छठे पे मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पे सफोकेशन होगी जब टॉक्सिन्स भी ऐड हो रहे हैं, तो वो आपकी फिशरीज वगैरह या बाकी जो एनिमल्स हैं जो कि किसी भी वाटर बॉडी के अंदर रह रहे हैं, तो वो जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनके सर्वाइवल को खतरा होगा, थ्रेट होगा। क्लियर हो गया जी? स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? ओके, इसी तरीके से अल्लाह भला करे आपका। नेक्स्ट, हैदर अली आपकी बात को मैं समझ नहीं पाया बच्चे, आप एलजी की बात कर रहे हैं लेकिन आगे समझ नहीं आ रही क्या बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक मिनट दें जरा, रैंडम नेचर का आपका ये मसला है, रैंडम नेचर का है नॉइज बेसिकली, विच कम्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, मल्टीपल सोर्सेज हैं। अब सोर्सेज का जो सोर्सेज की बात है, नॉइज पोल्यूशन के सोर्सेज की बात है, तो किसी से ढके छुपे नहीं है सोर्सेज, इसके बहुत आसान है जी। क्या सोर्सेज हैं? वही ट्रांसपोर्टेशन सोर्सेज हैं जी, चाहे आपकी गाड़ी है, चाहे आपके पास मोटर बाइक है, चाहे आपके पास एरोप्लेन है, आपके एरियल जो ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म है, आपके पास रेलवेज हैं, बहरी जहाज हैं, आपके जो लॉन्चिंग पैड्स हैं जी, आप बेसिकली जो मिसाइल टेस्टिंग वगैरह करते हैं, इन तमाम चीजों से आपकी नॉइज ही तो प्रोड्यूस होती है, नॉइज ही तो प्रोड्यूस हो रही है। मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन सोर्सेज वन ऑफ देम, उसके अंदर काफी सारी चीजें हैं, वेहिकुलर नॉइज, कार नॉइज एटसेट्रा। इसके अलावा अल्लाह भला करे आपका इंडस्ट्रियल सोर्सेज हैं जी, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वहां से आपकी नॉइज जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज वहां से नॉइज प्रोड्यूस हो रही है, बेशुमार फैक्ट्रीज है आपके, मेटल इंडस्ट्री है, काफी सारी इंडस्ट्रीज, हर एक इंडस्ट्री में जहां पे मैकेनिकल इक्विपमेंट मौजूद है, जहां पे किसी चीज की प्रोडक्शन हो रही है, तो डेफिनेटली आपकी वहां से नॉइज जो है वो लाजमी प्रोड्यूस होगी, लाजमी प्रोड्यूस होगी। ठीक हुए जरा? सो ट्रांसपोर्टेशन सोर्सेज के अलावा वी हैव द इंडस्ट्रियल सोर्सेज एज वेल, ना सिर्फ इंडस्ट्रियल सोर्सेज, वी हैव द डोमेस्टिक गैजेट्स, घरों में आपकी मोटर लगाते हैं वो नॉइज, मोटर की आवाज, अच्छा जी घर के आपको वो रेफ्रिजरेटर भी आवाज कर रहा होता है, फ्रीजर डी फ्रीजर अगर इसी घर में वो भी आवाज कर रहा होता है, इट्स गेटिंग अ पॉइंट। सो अनवांटेड किस्म की साउंड है जो किसी भी जगह से प्रोड्यूस हो रही है, तो आपके घरों में चीजें मौजूद है जो आपकी बेसिकली एक सोर्स के तौर पे सामने आ रही है, व्हिच इज कॉजिंग बेसिकली नॉइज पोल्यूशन। ना जी जी बिल्कुल, म्यूजिक है, म्यूजिक है, इसको और थोड़ा सा लेके चले जाए तो ये जो आप वूफर्स लगा के जो है ना वो बाहर निकलते हैं मटर गश्ती करने के लिए रात के टाइम, लोगों के सुकून बर्बाद करते हैं, ये भी तो नॉइज पोल्यूशन है। इंस्टीट्यूशनल नॉइज है आपकी, इंस्टीट्यूशनल नॉइज जनरेटर्स हैं जी, बिल्कुल बेशुमार है आपके पास, ये वो चीजें जो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता भी है। आपके पास इंस्टीट्यूशनल नॉइज है, स्कूल कॉलेजेस वगैरह, आपके घर के पास भी स्कूल है तो सुबह सुनते हैं, सुनने को मिलता है लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, है जी वो भी तो नॉइज पोल्यूशन है। आपके गली मोहल्ले में जो बच्चे खेलते हैं वो भी तो है कम्युनिटी नॉइज, साथ वाले घर में मियां बीवी का लड़ाई झगड़ा वो भी तो है नॉइज, बेशुमार चीजें हैं, कम्युनिटी नॉइज है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन के सोर्सेज आपके नॉइज प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज नॉइज प्रोड्यूस कर रही हैं, डोमेस्टिक गैजेट्स वगैरह नॉइज प्रोड्यूस कर रहे हैं, बेशुमार सोर्सेज हैं आपके पास। ठीक हो गया जनाब? अब जो मेरे चीज इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको डिलीवर करनी है इस टॉपिक के अंदर, नॉइज पोल्यूशन के अंदर, वो लिखे हैं ये जो इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने डिलीवर करनी है आपको, बाकी तो आप कर लेंगे। नॉइज का लेवल है बेसिकली, ठीक है, लेवल्स हैं। इसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल की जाती है दैट्स बेसिकली डेसिबल्स, डेसिबल्स डीबी लिखें, स्मॉल में लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स में डीबी, डेसिबल्स डेसिबल्स, ठीक। जो क्वाइट लाइब्रेरी है जहां पे कोई शोर नहीं होता, आराम से अच्छे बच्चों की तरह सारे लोग पढ़ रहे होते हैं, तो क्वाइट लाइब्रेरी के अंदर आपका जो नॉइज का लेवल रहता है दैट इज द 30 डेसिबल्स, दैट रिमेन्स द 30 डेसिबल्स, 30 डेसिबल्स, 30 30 decibels. और क्वाइट लाइब्रेरी बाय द वे इट्स गुड इनफ आपके लिए, किसी किस्म का कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वगैरह कॉज नहीं कर सकती, कोई एंग्जाइटी वगैरह कॉज नहीं कर सकती, सुकून वाला माहौल है जहां पे आप इंजॉय कर सकते हैं, आपकी हेल्थ के लिए मुनासिब है, 30 decibel मुनासिब है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़े तो जो आपकी सिटी ट्रैफिक है, जो बिजी ट्रैफिक है, बिजी ट्रैफिक है आपकी, बिजी ट्रैफिक, वहां पे आपका नॉइज का लेवल चला जाता है जंप करके 70 decibels के ऊपर, विच इज हार्मफुल, विच इज नॉट सेफ, 70 decibels. By the way, जो threshold है हमारे लिए, that is the 45 decibels. ठीक है? 40 to 45 decibels अगर आप noise में रहते हैं, तो that's good enough. लेकिन अगर इससे ज्यादा अगर आप किसी ऐसे environment में रह रहे हैं जहां पे ज्यादा decibels पे आपकी noise produce हो रही है, तो that's basically harmful. ठीक है?
सो जो बिजी ट्रैफिक है दैट्स 70 डेसिबल. बिजी ट्रैफिक से थोड़ा सा और एक नेक्स्ट लेवल ऊपर चले जाएं तो जो आपकी हैवी सिटी ट्रैफिक है, जहां से आपकी जो बड़ी ट्रैफिक गुजरती है, जो ट्रक्स वगैरह गुजरते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, बड़ी ट्रैफिक, वहां पे नॉइज का लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाता है आपका, 80 डेसिबल्स पे बात चली जाती है, 80 डेसिबल्स पे, 80 डेसिबल्स पे आप चले जाते हैं. और बिजी ट्रैफिक 70 डेसिबल्स, हैवी ट्रैफिक 80 डेसिबल्स, और फिर माशाल्लाह से जिसके इस्तेमाल सारे लोग करते हैं, हेडफोन्स 100 डेसिबल्स. इवन दो घंटे लगातार अगर आप हेडफोन्स के इस्तेमाल करते हैं, अगर आप मेरी क्लास हेडफोन्स लगा के ले रहे हैं तो काइंडली हेडफोन जो है वो उतार दिया करें, हेडफोन्स पे ना इस्तेमाल किया करें, ठीक है. अब वो तभी देखे ना, वो फोन पे आप जब बेसिकली वो आवाज को वॉल्यूम को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं तो ये आपको नोटिफाई करता है कि बाबा लेवल है एक, इससे मैं चला जाऊं ऊपर. आता है कि नहीं मोबाइल फोन्स में ये फीचर है, इसीलिए ये आपको बताता है, आपको ये मुतरबे करता है कि बाबा इससे ऊपर नुकसान है, ठीक है. तो दो घंटे का जो कॉन्स्टेंट एक्सपोजर है हेडफोन्स का, दैट कैन बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू हियरिंग. तो 100 डेसिबल्स है वहां पे. इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं, 100 डेसिबल्स से आप 120 डेसिबल्स पे चले जाएंगे. 120 डेसिबल्स आपकी वहां पे अपना ये कॉन्सर्ट वगैरह, अगर आप स्टेज के ज्यादा करीब है तो इमिजिएट इंजरी जो है वो आपको फेस करना पड़ सकती है. इमिजिएट 120 डेसिबल्स आपका वहां पे नॉइज का लेवल रहता है. इसी तरीके से 120 डेसिबल से जंप करके आप 140 डेसिबल्स पे जाएंगे. 140 डेसिबल्स एंड 140 डेसिबल्स इज फॉर द गन शॉट ब्लास्ट वगैरह, कोई हो गया गन शॉट आपने वो कर ली, ठीक है. तो इसकी वजह से आपके कानों के अंदर वाकई में पेन जो है, दर्द जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है. 140 डेसिबल्स आपका यहाँ पे रहेगा. उसके बाद 140 डेसिबल्स से के बाद आप जंप करके चले जाएं, अल्लाह भला करे आपका 180 डेसिबल्स पे चले जाएं. 180 डेसिबल्स की नॉइज आपकी रहती है वहां पे लॉन्चिंग पैड्स पे, जहां से वो नहीं मिसाइल्स वगैरह ऊपर जा रहे होते हैं या सैटेलाइट आप ऊपर भेजनी है, तो वहां से जो नॉइज प्रोड्यूस होती है वहां पे आपको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप यूज करें, लाजमी प्रोटेक्शन करें इसकी, ठीक है. तो रॉकेट लॉन्चिंग पैड्स एक्सेट्रा, मिसाइल वगैरह सैटेलाइट से ऊपर भेजते हैं आप वगैरह, तो वह तमाम चीजें आपकी जो है ना बेसिकली वहां से 180 डेसिबल्स की नॉइज जो है वो प्रोड्यूस होती है. अगर आप 40 टू 45 के बीच में हैं तो ठीक है, गुड इनफ है. अगर इससे ज्यादा है तो ये सोचने की काम है जी, जरूर सोचें, क्योंकि इसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आपके कॉमन है, एंग्जाइटी बहुत कॉमन है, मेंटल स्ट्रेस बहुत कॉमन है. इवन आपकी परफॉर्मेंस जो है आपके काम के अंदर वो भी आपकी जो है ना वो डैमेज हो सकती है. मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फटीग, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इवन द 40 to 45, मकार हुसैन 40 to 45 भी सेफ है, बड़ा इशू नहीं है. इसी के साथ क्या कहने लगा था, हाँ, एक्सीडेंट्स आपके नॉइज पोल्यूशन की वजह से एक्सीडेंट्स आपके हो जाते हैं, तो लिहाजा ये भी एक मसला है, एनवायरनमेंट का ही मसला. आप इसको डील कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे? पहली तो बात ये कि आप प्रोटेक्टिव जो चीजें हैं वो उनका इस्तेमाल करें, प्रोटेक्शन करें आप, ठीक है. नंबर टू, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आप इस्तेमाल करें, ठीक है. नंबर टू, सोर्स लेवल के ऊपर आप जाके इसको मैनेज कर सकते हैं. जो पाथ है जो आपकी नॉइज का, उसके अंदर आप उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं जी? ब्लास्ट का मैंने 140 डेसिबल्स बताया आयशा, 140 डेसिबल्स. जैसे कि ना देखें, अक्सर हाईवेज है जहां पे ट्रैफिक ज्यादा है, तो उनकी सराउंडिंग्स में आप अगर थिक किस्म की प्लांटेशन कर देंगे तो ऑब्वियसली वो जो आपका पाथ वे है नॉइज का, आवाज गुजरने का, साउंड वेव्स का, तो वो प्रिवेंट हो जाएगा. तो उसकी वजह से भी नॉइज पोल्यूशन आपकी कंट्रोल हो सकती है. अगर घर आपका किसी रोड के ऊपर है या जहां पे शोर बहुत ज्यादा है, तो घर में आप प्लांटेशन कर सकते हैं. उसकी वजह से जो है बेसिकली आपका जो पाथ वे है बेसिकली वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, तो उसकी वजह से आप खुद को बचा सकते हैं, ठीक है जनाब. बाकी जो चीजें हैं, म्यूजिक का इस्तेमाल कम करें और नॉइज वॉल्यूम्स जो हैं अपने डोमेस्टिक गैजेट्स के, उनको भी आप मैनेज कर सकते हैं अपने तरीके से, ठीक हो गया जनाब. क्लियर हो गया जी यहां तक? ओके, अल्लाह भला करे. अब आ जाएंगे किसके ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एंड दैट्स बेसिकली जी जी एक नॉइज मौजूद है. ये मेरी आवाज को तो नहीं आप नॉइज कह रहे, ये भी तो नॉइज पोल्यूशन है. बोले जा रहा हूं आपके कान दिमाग खराब हो रहे हैं, आवाज सुन सुन के बार बार. हाँ, ये कहना चाह रहे हो?
क्या करो, बोलना मजबूरी है ये बोला, क्या करें हम इस पे, देखे ना वो। अच्छा जी, 3 घंटे की क्लास होती है जी, वो नहीं ले सकते क्योंकि 6 घंटे की क्लास नहीं ले, दिमाग थक जाता है। क्यों थकता है? आप सुनते हैं ना भाई, आप सेंस ले रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ऑब्वियसली हर एक ऑर्गन अपना काम कर रहा है। तो खैर, बात को आगे बढ़ाते हैं जी, नेक्स्ट, कमिंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज द एनवायरमेंटल गवर्नेंस। जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, एरिया नंबर 6 है हमारा, इट इज द एनवायरमेंटल गवर्नेंस, एनवायरमेंटल गवर्नेंस, एनवायरमेंटल गवर्नेंस। अब एनवायरमेंटल गवर्नेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स? डियर स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल गवर्नेंस के आइडिया को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग इसके क्या नाम है, इसके जो पाकिस्तान के रिलेटेड, पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में बात करेंगे। जनाब, एनवायरमेंटल गवर्नेंस जो है, एनवायरमेंटल गवर्नेंस का आइडिया जो है, इस आइडिया से मुराद क्या है, पहले इसको समझ लें, फिर उसके बाद पाकिस्तान पे जाएंगे। हम ये कहते हैं जी कि एनवायरमेंटल गवर्नेंस, एनवायरमेंटल गवर्नेंस हम ये कहते हैं कि जी एनवायरमेंटल गवर्नेंस जो है, It is about the determination of goals and priorities. कि जहां पे आप जी अपने लिए goals को set करते हैं, जहां पे जी आप अपने लिए priorities को set करते हैं, किस किस्म के goals, किस किस्म की priorities, भाई environmental protection के लिए, माहौल की हिफाजत के लिए अपने लिए गोल्स को सेट करना, अपने लिए प्रायोरिटीज को सेट करना, और सिर्फ सेट ही नहीं करना, और भाई आपने उन एनवायरमेंटल अपना जो सेट प्रायोरिटीज हैं या गोल्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली आपने एक्ट भी करना होता है, एक्ट भी करना होता है। मैं रिपीट करता हूं पूरी डेफिनेशन, आप लिखेंगे कि एनवायरमेंटल गवर्नेंस इज अबाउट द डिटर्मिनेशन and acting of set goals and priorities, determination and acting of set goals and priorities for the environmental protection. For what? जो ultimate goal है आपका, ultimate objective है आपका, वो क्या है? वो आपका environmental protection ही है, environmental protection ही है। कि आप environment को जो basically, okay Anila, जी मैं रिपीट करता हूं जी, द स्टूडेंट्स मैंने अर्ज किया, मैं रिपीट करता हूं, मैंने अर्ज किया कि जनाब एनवायरमेंटल गवर्नेंस इज द डिटर्मिनिंग एंड एक्टिंग ऑन सेट गोल्स एंड प्रायोरिटीज, डिटर्मिनिंग एंड एक्टिंग ऑन set goals and priorities for the environmental protection. ठीक हो गया जनाब, एक चीज हो गई। इसी environmental governance का एक और angle भी है, कहते हैं कि it is a process of decision making for the environmental protection or management. It is a process of decision making for the environmental protection or management. ये environmental governance है। यानी एक बार में ये समझ में आ गई कि अच्छा environmental protection के लिए ही कुछ, environmental governance को आप एक और angle से भी define कर सकते हैं। Reference दे दें, according to the IUCN, International Union for Conservation of Nature. According to the International Union for Conservation of Nature, IUCN जो है वो environmental governance को लेके क्या फरमाता है?
वो कहता है जनाब कि इन्वायरमेंटल गवर्नेंस इज अबाउट द मल्टी लेवल इंटरैक्शंस। इट इज अबाउट द मल्टी लेवल इंटरैक्शंस including all stakeholders. अच्छा, इट इज सम काइंड ऑफ इंटरैक्शन। अल्टीमेट पर्पज इस इंटरैक्शन का भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ही है। सो एक बात हमें समझ में आ गई कि इन्वायरमेंटल गवर्नेंस जो है इट इज ऑल अबाउट द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। जी मैं रिपीट करता हूं बच्चे, मैंने कहा अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस इज द मल्टी लेवल इंटरैक्शंस इंक्लूडिंग ऑल स्टेक होल्डर्स। अब डेफिनेशन के बाद द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। अच्छा नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे नहीं जाते, इस सवाल का जवाब दे लें कि व्हाई वी नीड इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, क्यों जरूरत है इन्वायरमेंटल गवर्नेंस की। सीधा सा जवाब है इसका, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ आर सर्वाइवल। आपका नेचुरल सिस्टम्स जो है, आपका नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा तो आपका सर्वाइवल जो है उसको खतरात लाहक नहीं होंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ आर सर्वाइवल, दैट्स व्हाई वी नीड इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, दैट्स व्हाई वी नीडेड द इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, राइट। अब आ जाए जी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल गवर्नेंस पे। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, द स्टूडेंट्स एज फार एज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल गवर्नेंस कंसर्न्स, देर आर थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। देर आर थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। नंबर वन कॉन्स्टिट्यूएंट इज कि सबसे पहले आपके पास लॉज मौजूद होने चाहिए, कानून साजी मौजूद होनी चाहिए, लेकिन ये कानून साजी इन्वायरमेंट के ऊपर मौजूद हो, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंटल लॉज या इन्वायरमेंटल लॉज इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। अगर आपके पास इन्वायरमेंटल लॉज मौजूद हैं, कानून बड़ा हुआ है, आपके पास रेगुलेशंस मौजूद हैं, स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, तो दैट मींस कि आपके पास इन्वायरमेंटल गवर्नेंस एग्जिस्ट कर रहा है। पाकिस्तान में लॉज बने हुए हैं जी, दैट मींस कि वी कैन से कि अच्छा हमने पहला कॉन्स्टिट्यूएंट जो है उसको फुलफिल कर रखा है। इसी तरीके से द कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर टू ऑफ इन्वायरमेंटल गवर्नेंस इज द पॉलिसी। अ पॉलिसी जो है, पॉलिसी मेकिंग जो है, एक गवर्नमेंट का काम है। तो अगर पॉलिसीज को देखें तो हमारे पास ही बेशुमार पॉलिसीज हमने बनाई हुई हैं। नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है, नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी है, नेशनल सैनिटेशन पॉलिसी है, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी है, बेशुमार पॉलिसीज हमने बनाई हुई हैं। पॉलिसी क्या है? पॉलिसी इज अ डॉक्यूमेंट। यहाँ पे इन्वायरमेंटल पॉलिसी की बात हो रही है, राइट। सो नंबर वन कॉन्स्टिट्यूएंट इज इन्वायरमेंटल लॉज, नंबर टू कॉन्स्टिट्यूएंट इज इन्वायरमेंटल पॉलिसी, एंड नंबर थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट इज। अब आपने लॉज अगर बनाए हैं, आपने पॉलिसीज बनाई हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास कुछ तो ऐसा रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए कि जिसकी वजह से आपकी इम्प्लीमेंटेशन हो सके इन्वायरमेंटल लॉज की, आपकी पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन हो सके। तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट आपका इन्वायरमेंटल गवर्नेंस का रहता है, दैट इज डेवलपमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस। Development or establishment of environmental institutions. Environmental institutions. So तीन बड़े constituents हैं आपके पास environmental governance के, ठीक हो गया जनाब। So definition मैंने बता दी और इसके constituents बता दी। अब आ जाएंगे environmental governance in Pakistan पे। आप लिखे इन्वायरमेंटल गवर्नेंस इन पाकिस्तान। इन्वायरमेंटल गवर्नेंस इन पाकिस्तान,
स्टूडेंट्स as far as the environmental governance in Pakistan concerns, तो हमारे पास ये पाकिस्तान में जी environmental governance का जो process है या जो concept है ये कैसे evolve हुआ, इसका जवाब भी साथ साथ ही मौजूद होगा। ठीक है, इसका जवाब भी साथ साथ मौजूद होगा। स्टूडेंट सबसे पहली चीज कि जी मैंने पहले अर्ज किया कि हमारे पास लॉज भी बने मौजूद हैं, हमारे पास पॉलिसीज भी मुख्तलिफ मौजूद हैं और हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी मौजूद है जो कि सिर्फ आपने इन्वायरमेंट को देखने के लिए बना रखा है। ठीक हो गया ना। अब ये प्रोसेस पाकिस्तान के अंदर कैसे इंस्टिगेट हुआ, स्टूडेंट्स मैं स्टार्ट करूंगा 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से। 1973 में जब आपने पाकिस्तान का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उस वक्त जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उस वक्त उन्होंने इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया। उस वक्त जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस वक्त इन्वायरमेंट के ऊपर कोई आर्टिकल, कोई क्लॉज, कुछ भी ऐसी चीज जो है वो शामिल नहीं की गई। सो दैट रिमेन दैट टेल्स अस कि जनाब आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ऑफ 1973 रिमेंड साइलेंट रिगार्डिंग इन्वायरमेंट या रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल गवर्नेंस इन पाकिस्तान। एक बात हो गई। दूसरी बात कि जो सबसे पहली आपकी तरफ से डेवलपमेंट हुई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, दैट वॉज बैक इन 1983 के अंदर आपके पाकिस्तान में एक नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस जो है पास किया गया। क्या पास किया गया? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस। मैं रिपीट करता हूं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस जो है वो पास किया गया। अब सबको पता है कि ऑर्डिनेंस जो है वो कौन पास करता है। ऑर्डिनेंस पास करने की जो सलाहियत है, कैपेसिटी है, बेसिकली वो आपके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है। 1983 में सोहेल नवाज, 1983 में ये पहली मरतबा आपने एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस जो है वो आपने पास किया। और इस ऑर्डिनेंस के तहत आपने ये 1983 में 1983 में इस चीज का इरादा किया कि हम पाकिस्तान में दो चीजों को जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे। नंबर वन वाज कि अच्छा आपने कहा कि इस ऑर्डिनेंस के अंदर कि पाकिस्तान में एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। आई रिपीट, मैं मेंशन करता चलूं कि ये काउंसिल आपकी 1983 में इस्टेब्लिश नहीं हुई थी। आपने 1983 के इस ऑर्डिनेंस में ये कहा कि हम जी एक काउंसिल को इस्टेब्लिश करेंगे और उस काउंसिल का नाम क्या था? पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल। आई रिपीट, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल शैल बी एस्टैब्लिश्ड। पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन शैल बी प्रोटेक्शन काउंसिल शैल बी एस्टैब्लिश्ड। एक बात कही आपने। दूसरी बात जो आपने शामिल की दैट वॉज आपने कहा जी कि पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज शैल बी एस्टैब्लिश्ड। दो बातें, एक आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हमने एक काउंसिल बनानी है और नंबर दो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक एजेंसी जो है उसको बनाना है 1983। फिर क्या हुआ 1983 के बाद? आप चले जाएं जंप करके 1992 के अंदर। कहां पे चले जाएंगे? 1992 के अंदर। 1992 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी को डिवाइज किया गया। अब इसको हमने इन डिटेल थोड़ी देर के बाद करना है, परेशान नहीं होना। नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई। फिर उसके बाद 1994 पे आप चले जाएं, बैक इन 1994। अब 1994 में डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। इट कैम अप फ्रॉम द लोकल पॉपुलेशन, एक शख्स की, एक मोहतरमा की काविश थी। तो खैर 1994 में डियर स्टूडेंट्स आपका एक फेमस केस जो है वो आपका हुआ। आज भी आर्टिकल्स के अंदर जब भी इन्वायरमेंटल गवर्नेंस की बात होती है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस केस को जरूर कोट किया जाता है। 1994 में शहला जिया वर्सेस वापडा। आई रिपीट, शहला जिया वर्सेस वापडा।
बेसिकली शैला जिया वॉज द रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इनके घर के पास जो है वो वापडा ने एक ग्रिड स्टेशन जो है वो कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया एंड उनको ये बात नागवार गुजरी। उनको ये लगा कि जी इस ग्रिड स्टेशन की वजह से हमारा जो एक रेजिडेंशियल एरिया है इसको नुकसान होगा, हमारा जो हेल्दी इन्वायरमेंट जो हमें दरकार है रहने के लिए उसको नुकसान होगा। तो शी वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान राइट, और सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने केस फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट में इस केस ये केस चला और केस चलने के बाद जज साहब जो है उन्होंने शैला जिया के हक में फैसला सुना दिया। और जज साहब ने जो फैसला सुनाया शैला जिया के हक में, तो उन्होंने अपनी तरफ से जो होता है ना वो पूरी जजमेंट आपकी पब्लिश होती है किसी भी डिसीजन के ऊपर, ठीक है, तो जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं तो उसके अंदर उन्होंने हवाला ये दिया कि जनाब ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 7 है कि 8 है जो आपको राइट टू लाइफ देता है, राइट टू लाइफ है, कॉन्स्टिट्यूशनल हक है हमारा, राइट है हमारा, हर रेजिडेंट का हक है। तो उन्होंने बेसिकली उस आर्टिकल का रेफरेंस देते हुए ये कहा कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने रेजिडेंट्स को एक राइट टू लाइफ दे रहा है। तो राइट टू लाइफ के आगे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन उन्होंने एक रीजनिंग का मुजाहरा करते हुए कहा कि क्या राइट टू लाइफ से मुराद है कि आपके पास अगर गवर्नमेंट राइट टू लाइफ देती है तो दैट मीन्स कि अच्छा आपकी जो इन्वायरमेंट है वो भी आपका हेल्दी होना चाहिए, हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए। हुकूमत का काम है कि हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे अपने लोगों को, अपने इनहैबिटेंट्स को, अपनी पॉपुलेशन को। तो लिहाजा इस बुनियाद पे हम वापडा को मना करते हैं कि आप यहाँ पे ग्रिड स्टेशन ना बनाएं और इस किसी और जगह पे बना लें, ठीक है। बाय द वे शी वॉन द केस अगेंस्ट वापडा और वापडा ने जो है वहां पे कंस्ट्रक्ट नहीं किया। अब यहाँ पे मैं इसको क्यों कोट कर रहा हूँ, उसकी रीजन ये है कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान के किसी भी लोकल रेजिडेंट की तरफ से, किसी भी लोकल पॉपुलेशन की तरफ से पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तानी सोसाइटी की तरफ से पहली मर्तबा कोई एक इन्वायरमेंट को लेके एक आपके वहां एक डेवलपमेंट या कोर्ट प्रोसीडिंग या केस वगैरह जो है सामने आया था। एंड दैट शोज के अच्छा 1990s के अंदर ऐसे लोग थे पाकिस्तान में जो कि इन्वायरमेंट को लेके कंसर्न थे, ऐसे लोग थे पाकिस्तान में जिनकी नजर जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट के ऊपर थी और जिनकी नजर अपने हेल्थी इन्वायरमेंट के ऊपर भी थी कि अच्छा जी हमें एक हेल्थी इन्वायरमेंट चाहिए टू लिव इन। अभी जैसे स्मोक का मसला है तो हमारे लोगों को चाहिए कि हुकूमत को ये बावर कराए, जो पॉलिटिशियंस हैं जो सियासी जलसे हैं उनमें चले जाते हैं, जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उसकी तरफ कोई आवाज नहीं उठा रहा और कोई मसला नहीं हो रहा, मरे जा रहे हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से, सारा कुछ हो रहा है। तो भाई इस पर भी निकलना चाहिए लोगों को बाहर, इस पर भी सोच लें थोड़ा सा, पॉल्यूशन के मसले पर डेमोन्स्ट्रेशन की जा सकती हैं वगैरह वगैरह। तो खैर बात को आगे बढ़ाता हूँ। सो 19 केस नंबर अगर किसी ने पूरा लिख रहा है तो लिख ले बेशक, शैला जिया वर्सेस वापडा, शैला जिया वर्सेस वापडा, और पूरा केस नंबर था PLD विद कैपिटल लिखेंगे, PLD देन स्पेस देन SC फॉर द सुप्रीम कोर्ट, और केस नंबर था 693, ठीक हो गया जनाब, ये केस नंबर था। खैर 1994 में आपकी यहाँ ये डेवलपमेंट हुई। उसके बाद जी 1997 के अंदर आप चले जाएंगे और 1997 के अंदर डियर स्टूडेंट्स आपने पीपा एक्ट जो है उसको लेके आए, पहले भी जिक्र हुआ इसका EIA के अंदर, पीपा एक्ट पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज एक्ट, ये 1997 में आपने डिवाइस किया, इसको लेके आए जिसको हमने डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद फिर आपके हाँ जी एक प्रोसेस आपके इनिशिएट हो गया, आपके यहाँ पॉलिसीज आना शुरू हो गई, नेचुरल एनवायरमेंटल पॉलिसी आई 2005 में, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी आई 2012 में, ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी आई 2009 में, सैनिटेशन पॉलिसी आई 2006 के अंदर। यानी आपने एक काम जो है एनवायरमेंट के ऊपर वो आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है उसका आगाज किया और उन्होंने पॉलिसीज वगैरह का जो काम था वो आपने बनाया और इंस्टीट्यूशनल सेटअप जो दरकार था पाकिस्तान को एनवायरमेंट के ऊपर वो भी वो करने में कामयाब हुई हुकूमत पाकिस्तान। इसी तरीके से अब फिर उसके बाद करते कराते आप 18th अमेंडमेंट का जिक्र करेंगे। 18th अमेंडमेंट में 18वीं तरमीम आपने पाकिस्तान अफेयर में डिटेल से पढ़ी होगी, मेरे मतलब की चीज वहां पे सिर्फ इतनी है, जैसे पहले भी मेंशन किया था आपके डिजास्टर मैनेजमेंट को पढ़ाते हुए कि जी ये 18th अमेंडमेंट ही थी जिसके अंडर आपने जो इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट है वो आपने प्रोवेंसेस को दे दिया था, इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट जो है वो आपने एक प्रोवेंशियल सब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया था और आपने ये कहा था कि अब जी ये आपकी प्रोवेंसेस जो है, हिना रफीक बच्चे पॉलिसीज के नाम जो हैं रिपीट करने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीजें हमने आगे चल के पढ़ने वाले हैं और हमारे सिलेबस में अलग अलग नाम लिखे हुए हैं तमाम पॉलिसी के, जो हमारे सिलेबस में पॉलिसीज है ना वो सारी की सारी हैं, ठीक है।
पहचानना। तो आपने जी 18th अमेंडमेंट में, यानी कि जो इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट था वो आपने प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया। फिर इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स अब आते हैं, ये एक पूरा एक मैंने ब्रीफ बताने की कोशिश की राइट आफ्टर फ्रॉम द 1973, ठीक हो गया जना। यानी आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये क्लेम कर सकता हूँ, आप लोग भी ये क्लेम कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान के पास या पाकिस्तान के अंदर जो है इन्वायरमेंटल गवर्नेंस का जो आइडिया है वो फुल फॉर्म में मौजूद है। यानी इसके जो प्रीरिक्विजिट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, आपने कहा कि लॉज होने चाहिए तो लॉज हमारे पास हैं, आपने कहा पॉलिसीज होनी चाहिए तो पॉलिसीज हमारे पास हैं, आपने कहा कि इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए तो इंस्टीट्यूशंस भी हमारे पास हैं, ठीक है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करना शुरू करते हैं 1992 में, जो मैंने अर्ज किया कि NCS यानी नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिवाइस की। डियर स्टूडेंट्स, इस पॉलिसी के अंदर, इस स्ट्रेटेजी के अंदर बेसिकली ये NCS की अगर मैं बात करूं तो NCS जो है एक पाकिस्तान में एक बहुत ही इनिशियल इन्वायरमेंटल डॉक्यूमेंट के तौर पे साबित हुआ। इससे पहले आपकी हुकूमत या आपके पाकिस्तान में कोई इन्वायरमेंट के ऊपर इस तरह से कोई स्ट्रेटजी, इस तरीके से कोई डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं बनाया गया था, ठीक है। इवन पाकिस्तान में तो इनिशियल था ही, इवन NCS की शक्ल में आपने पाकिस्तान वॉज द पायनियर अमंग द डेवलपिंग वर्ल्ड, इवन इंडिया भी हमारे से थोड़ा सा पीछे था कि हमने इतने नेशनल लेवल पे जाके इतनी अच्छी स्ट्रेटजी जो है हमने डिवाइस की थी और बाद में अप्रिसिएशन भी मिली इसके ऊपर। तो पहली बात ये कि एक इनिशियल इन्वायरमेंटल डॉक्यूमेंट था, इन पायनियर था पाकिस्तान अमंग द डेवलपिंग वर्ल्ड। और ये जो स्ट्रेटजी आपने डिवाइस की, इट वॉज डन विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका थोड़ी देर पहले भी जिक्र हुआ, IUCN के साथ आपने 3 साल लगातार कंसल्टेशंस की, आपने 3 साल लगातार जो है वो अपने बातें की और उसके नतीजे में यू आर एबल टू कम अप विद नेशनल इन्वायरमेंटल स्ट्रेटजी, राइट। अच्छा बात सुने मेरी, पार्टिसिपेंट्स मेरी बात सुने आप लोग, आई नीड योर इयर्स। ये जो एरिया अभी मैंने शुरू किया है ना इन्वायरमेंटल गवर्नेंस पे, ठीक है, ये पॉलिसीज का एरिया है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने NCS का आगाज किया है, इसके बाद NEP के ऊपर मैं बात करूंगा, नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी के ऊपर बात करूंगा, ठीक है। तो अब ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में हैं, ये पॉलिसीज जो है बेसिकली यू विल सी के अच्छा ये चीजें आपकी मोर और लेस सेम होती हैं हर एक पॉलिसी के अंदर। तो मैं 2 पॉलिसीज आपको जो है ना वो ज्यादा ब्रीफली कराने की कोशिश करूंगा। अदर देन दीज टू और थ्री पॉलिसीज यू हैव टू रिलाय ऑन द रीडिंग मटेरियल जो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। मैंने वो सारी पॉलिसीज नहीं पढ़ानी है आपको, और ये नहीं समझना कि हमारे साथ कोई बड़ा गलत सा सलूक हो रहा है और सबके साथ ऐसे ही होते, सारे स्टूडेंट्स को सारे बैचेस को ऐसे ही करता हूँ। एरिया नंबर 6 के ऊपर 7 के ऊपर रीडिंग मटेरियल प्रोवाइडेड होता है और उनको मैं कहता हूँ कि आपने ये वहां से पढ़ना है, ठीक है। अनिला बतूल, मैंने ये लेक्चर नंबर 1 में बताया था, मैंने ये फोटोकॉपियर शॉप जो है यहाँ पे रखवाया हुआ है, ठीक है, यहां से आप मंगवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लिख नहीं भी पा रहे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये चीजें आपको उस रीडिंग मटेरियल में इन डिटेल मिल जाएंगी, ठीक है। ये भी साथ बता दूं, खुशखबरी सुना दूं अगर आप लिख नहीं पा रहे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन लाजमी पढ़िएगा इस एरिया को, क्योंकि हर साल इस एरिया में से क्वेश्चन आता है। अल्लाह भला करे आपका। ओके ग्रेट, सारे लोगों ने सुन लिया, जबरदस्त। लिहाजा फिर एक डिस्कशन के मूड में कर लेते हैं बजाय इसके कि मैं निकाल लिया। वकार ने मंगवाया, मैं वकार ठीक है, अच्छी बात है, मैं तो एक ब्रीफ दूंगा यार, वो नोट्स तो वो पूरे तो नहीं मैं पढ़ाऊंगा अच्छा ब्रेक 7:30 करूंगा, 7:30 बजे ब्रेक दूंगा आपको, ठीक है। ये NCS मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद जो है वो ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। अल्लाह भला करे आपका। अब मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो NCS है ये एक इनिशियल डॉक्यूमेंट है और पाकिस्तान एक पायनियर था और पाकिस्तान ने जी IUCN के साथ कंसल्ट करके आपने एक डॉक्यूमेंट, एक स्ट्रेटजी जो है वो आपने डिवाइस की। और जब ये स्ट्रेटजी आपने डिवाइस की
तो इसको आपने बेसिकली, मैंने कहा 3 साल का अर्सा ऑलमोस्ट आपको लगा टू डिवाइस दिस पर्टिकुलर पॉलिसी। उसके बाद आपने इसको अर्थ समिट जो है आपका 1992 में हुआ जो हमने पढ़ लिया है, जो पढ़ लिया है जो 1992 का अर्थ समिट जो हमने पढ़ लिया है, उसके अंदर बेसिकली पाकिस्तान ने ना प्रेजेंट की थी इस पॉलिसी को बनाने के बाद, आपने इस स्ट्रेटेजी को प्रेजेंट किया था ऑन एन इंटरनेशनल फोरम, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, ठीक हो गया जनाब। उस वक्त हमारे ये फॉरेन मिनिस्टर थे सरताज अजीज साहब, बेसिकली उनकी सरबराही में एक डेलीगेशन हमारा गया था वहां पे, और एक तारिक बनूरी इस तरह का नाम था हमारे सेक्रेटरी साहब का जो साथ में थे, जिन्होंने बेसिकली समिट के अंदर ना इसको प्रेजेंट किया था। तो खैर कुल मिला के बात करता हूँ स्ट्रेटेजी के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, इस स्ट्रेटेजी के अंदर ना आपने क्या किया, अब एक पॉलिसी है, कोई भी स्ट्रेटजी है और या कोई भी इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो उसका एक उसूल है बेसिक के, सबसे पहले आप उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, क्योंकि आपने देखा कि डेफिनेशन के अंदर इन्वायरमेंटल गवर्नेंस के अंदर ये था कि यू आर टॉकिंग अबाउट द सेटिंग, गोल सेटिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रायोरिटी सेटिंग एटसेट्रा। तो कोई भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं तो ऑब्वियसली आप अपने लिए कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि अच्छा ये पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव हमारे ये हैं। तो लिहाजा उसी तरीके को देखते हुए आपने स्ट्रेटजी जो एनसीएस थी इसके भी आपने मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट किए, जिनमें से ऑब्जेक्टिव नंबर 1 वाज के अच्छा जी आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी कंजर्वेशन को जो है वो इंश्योर किया जाएगा, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वाटर एयर वगैरह जो भी है, तमाम इनको ऑब्जेक्टिव्स को, बाय द वे आपने कोई एक्सप्लेन या एलैबोरेट नहीं करना होता, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स विल रिमेन सेम वन लाइनर, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर आपने कहा कि अच्छा ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के अंदर। इसी तरीके से आपने नंबर 2 पे ऑब्जेक्टिव शामिल किया कि अच्छा जी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया है, लेकिन 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ चुका था दुनिया में, तो आपने उसी आइडिया को बेसिकली अपनी स्ट्रेटजी के अंदर जो है वो शामिल करने की कोशिश की, और आपने ये कहा कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा। प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज द बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर एनसीएस। ना सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आपने प्रमोट करना था, आपके इसी एनसीएस के अंदर जो है आपने कहा कि जनाब हमने जी जो एफिशिएंसी है आपके पास जो रिसोर्सेज हैं या उनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करेंगे, मैनेजमेंट की बात करेगा, यानी आप लिखें इंप्रूव्ड एफिशिएंसी इन द यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इंप्रूव्ड एफिशिएंसी इन द यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी अपने लिए आप वही गोल कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंप्रूव्ड एफिशिएंसी इन द यूज। इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी से क्या मुराद है कि आप दबे अल्फाज में ये बात कर रहे थे कि जी ओवर एक्सप्लोटेशन है जो चीजों की, ओवर एक्सप्लोटेशन है जो रिसोर्सेज की, उसको हमने नहीं होने देना, ठीक है, उसको हमने रिड्यूस करना है ताकि हमारे तमाम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो मैनेज हो सके, वो बेहतर तरीके से आपके चल सके, ठीक हो गया जनाब। आपने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, ऑब्जेक्टिव्स के बाद आपने एनसीएस के डॉक्यूमेंट के अंदर जो है आपको इसके प्रिंसिपल्स मिलते हैं, प्रिंसिपल्स। अब देर आर बेसिकली अगेन 3 प्रिंसिपल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या 3 दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। नंबर 1 प्रिंसिपल वॉज अबाउट द अचीविंग ग्रेटर पार्टनरशिप बिटवीन द डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट का जो आस्पेक्ट है और जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, इस पर हमारी बातें हो चुकी हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के पोर्शन के अंदर के डेवलपमेंट प्रोसेस क्या एटसेट्रा। तो इन दोनों को आपने बेसिकली क्या करना था, आपने जी इनके दरमियान पार्टनरशिप जो है उसको आपने इनहांस करना था, इंप्रूव करना था। इसी तरीके से प्रिंसिपल नंबर 1 इज अचीविंग ग्रेटर पार्टनरशिप इन द डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, इन द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड एनवायरमेंट, एक प्रिंसिपल। And principle number 2 was merging environment and economics, decision making level के ऊपर जाके merging environment and economics at the decision making level merging environment and economics at the decision making level, ठीक हो गया जनाब। जी मैं स्लो हो गया हूं जी, आई हैव स्लोड डाउन माय सेल्फ। मर्जिंग एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स एट द डिसीजन मेकिंग लेवल, ठीक है। एक तीसरा भी था, थर्ड प्रिंसिपल वॉज आपने अपने लोगों की जो
लाइफ क्वालिटी है उसको उसको फोकस में लगा। आप लिखेंगे फोकसिंग ऑन ड्यूरेबल इंप्रूवमेंट्स, ड्यूरेबल इंप्रूवमेंट्स इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के अंदर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है जी, उसको आपने क्या करना था, इंप्रूव या इंक्रीज या बेहतर करना था। फोकसिंग ऑन ड्यूरेबल इंप्रूवमेंट्स, फोकसिंग ऑन ड्यूरेबल इंप्रूवमेंट्स इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन पाकिस्तान, इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन पाकिस्तान, इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन पाकिस्तान। किधर क्वालिटी ऑफ लाइफ आपने इंक्रीज किया या इंप्रूव किया? कुछ नहीं किया आपने, ऐसी बातें करते रहे आप। पॉल्यूशन के लेवल्स देख लें, हिस्टोरिकली आपके बढ़ते चले जा रहे हैं। खैर, तीन ऑब्जेक्टिव्स, तीन प्रिंसिपल्स। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आपके इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर, इस स्ट्रेटजी के अंदर आपने कुछ सेक्टर्स को जो है वो आपने टारगेट किया, आपने अपने लिए एरियाज को तय किया, एरियाज को आइडेंटिफाई किया कि अच्छा ये एरियाज हैं, इनके ऊपर हमने क्या करना है, काम करना है। और फोकसिंग एरियाज में कौन कौन से एरियाज को आपने टारगेट किया, नंबर वन वॉज, ये भी अगेन इसमें भी किसी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन दरकार नहीं है, आपने सिर्फ फोकसिंग एरियाज की हेडिंग देनी है। हेडिंग थोड़ी आप इसको बढ़ा सकते हैं, आप लिखेंगे फोकसिंग एरियाज आइडेंटिफाइड अंडर द एनसीएस, फोकसिंग एरियाज आइडेंटिफाइड अंडर द एनसीएस। I repeat, focusing areas identified under the NCS. कौन कौन से focusing areas आपने रखे, वही जो हम पूरे सिलेबस में बातें करके आए। नंबर वन आपने कहा जी कि जो आपकी क्रॉप लैंड्स हैं वहां पे सॉइल को मेंटेन किया जाएगा, लिखे maintenance of soil in the crop lands. एरिया नंबर वन था, फोकसिंग एरिया नंबर वन, मेंटेनेंस ऑफ सॉइल इन द क्रॉप लैंड्स। इसी तरीके से फोकसिंग एरिया नंबर टू वाज इनकरेजिंग फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री या प्लांटेशन जो है उसको जी हम इनकरेज करेंगे, यह आपने कह दिया। इसके अलावा आपने ये कहा कि जनाब जो लाइव स्टॉक है पाकिस्तान में उसको इंप्रूव करेंगे, इंप्रूविंग लाइव स्टॉक, इंप्रूविंग लाइफ स्टॉक, इंप्रूविंग लाइफ स्टॉक के बाद अल्लाह भला करे आपका, आपने कहा जी के जो रेंज लैंड है पाकिस्तान के उनको रिस्टोर किया जाएगा, रिस्टोरिंग रेंज लैंड्स जी बिल्कुल वकार। इंक्रीजिंग इरिगेशन एफिशिएंसी भी है, इंप्रूविंग लाइफ स्टॉक भी है, रिस्टोरिंग रेंज लैंड्स भी हैं, प्रोटेक्टिंग आपके जो अपना क्या कहते हैं इसको अपना ये वेटलैंड्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना था आपने, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, यानी वही बातें जो हमारे इश्यूज हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिंग या कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी के बाद मैनेजिंग अर्बन वेस्ट है, किधर अर्बन वेस्ट आपका मैनेज हुआ है, कोई नहीं मैनेज हुआ अर्बन वेस्ट आपका, मैनेज होता तो कराची का ही असर होता, लेकिन आपने जो 1992 में आप इतने होशियार थे, इतने अकलमंद थे कि इन इशूज का आपको पता था, काश कुछ कर भी लेते। मैनेजिंग अर्बन वेस्ट के साथ ही आप लिखेंगे जी इंक्रीजिंग एनर्जी एफिशिएंसी, कमाल चक्कर है, आप उस वक्त बात कर रहे थे एनर्जी एफिशिएंसी की, उस वक्त आप बात कर रहे थे 1992 में, उसके बाद आपने कितना एनर्जी क्राइसिस फेस किया जी, किसी से धक्का छुपा नहीं है। ना सिर्फ आप एनर्जी एफिशिएंसी पे उस वक्त बात कर रहे थे, उस वक्त आप बात कर रहे थे जी पाकिस्तान में हमने जी वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज या अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज हैं उनको हमने जी वो क्या करना है, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज को क्या करना है जी, हमने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराना है। और समझ रहे बात, यानी 1992 में आप सोलर, हाइडल, टाइडल और इन चीजों की बात कर रहे थे, सोच रहे थे, काश कुछ कर भी लेते, उसे पॉलिसीज बनाने पे रहे हैं। आज भी आपकी ज्यादातर जो प्रोडक्शन है वो इलेक्ट्रिसिटी की, वो किसके ऊपर हो रही है, फर्नेस ऑयल के ऊपर हो रही है। इसी तरीके से आपने जी इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करना था, सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करने के साथ साथ आपने एक और फोकसिंग एरिया अपने लिए रखा, एंड दैट वाज द इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग एनवायरनमेंट एंड पॉपुलेशन
आइडिया आपका पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर कमी थी, किधर कमी हुई है? 1998 का सेंसस देखें, उसके स्टैट्स देखें और अभी के स्टैट्स देखें, आप कहाँ पे खड़े हैं? आप कुछ भी नहीं किया आपने, ठीक हो गया। यानी ओवरऑल आपने जो मुख्तलिफ किस्म के जो फोकसिंग एरियाज थे उनको आपने आइडेंटिफाई किया और आपने कहा कि इन एरियाज के ऊपर हमने पाकिस्तान के अंदर काम करना है। डियर स्टूडेंट समझ रहे हैं, कोई भी पॉलिसी कोई भी स्ट्रेटजी आप अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, बेसिकली आप ये देख रहे हैं कि अच्छा हमने जी पाकिस्तान में ये चीजें करनी है, ये चीजें हमारी प्रायोरिटी के अंदर शामिल हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो एरियाज को आपने जी फोकसिंग एरियाज को भी आइडेंटिफाई कर लिया, ऑब्जेक्टिव्स को भी तय कर लिया, प्रिंसिपल्स को भी तय कर लिया। इसके बाद इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर आपको जी कुछ क्रॉस सेक्टर्स सेक्टोरल पॉलिसीज मिलेंगी और मेजर्स मिलेंगी, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर उन्होंने बात की है इस पॉलिसी के अंदर, और एग्रीकल्चर सेक्टर में यही बात की है जी कि हमने जी जो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी है उसको रिस्टोर करेंगे, नेचुरल फर्टिलिटी को रिस्टोर करना है जी, और जो सॉइल की जो डिग्रेडेशन है उसको कंसिस्टेंटली पीरियोडिकली आपने क्या करना है, इसको इसकी चेकिंग जो है उसको इंश्योर करना है। मेजर क्रॉस सेक्टोरल पॉलिसीज एंड मेजर्स, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें आप चेकिंग ऑफ डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, उसमें आप रिस्टोरेशन ऑफ फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, उसमें आप ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ सॉइल को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे फ्यूचर में, ठीक है, जो आपका वाटर रन ऑफ है, जो एग्रीकल्चरल वाटर रन ऑफ है आपने उसको मैनेज करना था, उसको मैनेज करने की आपने बात की कि अच्छा ये तमाम जो वाटर रन ऑफ जो एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है जिसकी वजह से देखेंगे यूट्रोफिकेशन और बाकी इश्यूज आपके प्रोड्यूस होते हैं, तो तमाम चीजों को आपने मैनेज करना था, आपने ही तय किया इस स्ट्रेटजी के अंदर। इसी तरीके से आपने कहा जी कि जो आपकी क्या नाम है इसका सॉइल इरोजन है उसको भी प्रिवेंट करेंगे, सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करेंगे, सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करेंगे, अल्लाह भला करे आपका। एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद आप चले जाएंगे वाटर मैनेजमेंट के ऊपर, और वाटर मैनेजमेंट में अब देखें 1992 में भी वाटर आपका इशू था और आपकी प्रायोरिटी में था। आपने कहा था कि वाटर मैनेजमेंट शैल बी प्रायोरिटाइज्ड इन पाकिस्तान, पहले तो हम इसको प्रायोरिटाइज करेंगे उसके बाद हम इसकी मैनेजमेंट के ऊपर जाएंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे जी वाटर मैनेज वाटर इशू को प्रायोरिटाइज करेंगे। इरीगेशन सिस्टम को आपने डेवलप करना था, इंप्रूव करना था, बाय द वे इसके अंदर काफी काम हुआ भी है, स्पेशली इरीगेशन सिस्टम की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में स्पेशली मुशरफ साहब के दौर में जो है वो काफी बेहतर काम हुआ है। मुशरफ साहब के दौर में जो है आपकी जो कैनाल्स की लाइनिंग का जो काम है वो आपका हुआ है, जब वो जो खाले वाले पक्की करना परवेज लाई साहब के दौर में पंजाब में काफी काम हुआ है, ठीक है। तो यही था कि इरीगेशन ना जहाँ पे हमें नहरी निजाम को स्ट्रेंथन करने की जरूरत पड़ी हम करेंगे, जहाँ पे नई नहरें बनाने की जरूरत पड़ी हम बनाएंगे, ताकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। इसी तरीके से आपने जी एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद वाटर मैनेजमेंट के बाद आपने जी वाइल्ड लाइफ जो है बेसिकली उसको टारगेट किया। आपने कहा जी कि पाकिस्तान में जो है हम वाइल्ड लाइफ पॉलिसी जो है नेशनल वाइल्ड लाइफ पॉलिसी जो है नेशनल वाइल्ड लाइफ पॉलिसी जो है उसको बनाएंगे, जो बाद में आपने बनाई ये पॉलिसी आपने बनाई बाद में, ना सिर्फ नेशनल वाइल्ड लाइफ पॉलिसी बनाने का आपने कहा, आपने ये भी कहा जी कि हम पाकिस्तान में जो है वो नेशनल पार्क्स हैं बेसिकली उनके नंबर्स को हमने इंक्रीज करना है, ये भी किया आपने। मारगला नेशनल पार्क है, हिंगोल नेशनल पार्क एक्सेट्रा, तो आपने इनके नंबर्स को भी एक्सीड किया है बाद में। तो आइडिया वाज कि आपने जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना था, उनकी इलीगल हंटिंग वगैरह जो है उसके ऊपर काबू पाना था आपने, जो ओवर एक्सप्लोटेशन है आपके वाइल्ड लाइफ का उसको आपने रोकना था, ठीक है, ताकि वाइल्ड लाइफ जो है बेसिकली वो प्रोटेक्टेड रह सके। वाइल्ड लाइफ के साथ साथ आप लाइफ स्टॉक पे चले गए, और लाइफ स्टॉक के अंदर आपने ये कहा कि जी के हम जो ये जो फैसिलिटीज हैं लाइफ स्टॉक के रिलेटेड फैसिलिटीज हैं इनको इंप्रूव करेंगे, ताकि हमारी लाइफ स्टॉक की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो। देखिए जी दूध सेल होता है आपका, अगर आप पूरे मुल्क में दूध की प्रोडक्शन को इंप्रूव कर दें तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यही आइडिया था इसके पीछे कि आपने जी लाइफ स्टॉक के रिलेटेड जो फैसिलिटीज हैं, और फैसिलिटेट आपने किया भी है, हुकूमत पाकिस्तान लोन्स देती रही है लोगों को ताकि आप जी लाइफ स्टॉक की तरफ आ सकें। अब हमारे लोग ही मॉडर्न हो गए तो क्या हुकूमत का क्या कसूर, और किसी को क्या कोसें, अपना ही कसूर है। अब जरा भैंसे रखने में मसला होता है, प्रॉब्लम होती है, तो ठीक है फिर पानी वाला दूध पिए और मजे करें, बस ऐसे ही यही हो सकता है। तो खैर लाइफ स्टॉक की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना था, लाइफ स्टॉक की जो बेसिकली फैसिलिटीज हैं उसको आपने इम्प्रूव करना था। इसी तरीके से सॉलिड वेस्ट के ऊपर आपने कहा, गार्बेज जो आपका परचेज मैकेनिज्म है
उसको आपने पहली मरतबा पाकिस्तान में जी मुतारफ कराया, ये जो कूड़ा बिकता आपका, और इसके साथ साथ जो आपका जी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं उसको इंट्रोड्यूस कराने का आपने तहिया किया जी, हम इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे पाकिस्तान में ताकि सॉलिड वेस्ट का मसला जो है वो आपका एड्रेस हो सके। पॉल्यूशन कंट्रोल को भी आपने यहाँ पे शामिल किया एज अ सेपरेट एस्पेक्ट, और जो स्पेशली जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, जो हैवी मेटल्स वगैरह हैं, बेसिकली उनको कंट्रोल या रिड्यूस करने के ऊपर आपने काम करने का कहा कि जिसके ऊपर लॉज वगैरह अगर बनाने की जरूरत पड़ी तो हम बनाएंगे। इसके ऊपर अगर आपने कुछ भी मतलब जो चीजें आपको दरकार हैं इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करना पड़ा तो हम जरूर करेंगे, इंडस्ट्रीज को लिमिट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो वही बात इन जनरल जो आप कर सकते थे पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, ताकि आपके जो सोर्सेज हैं पॉल्यूशन के वो आपके रिड्यूस हो सके आपके मुल्क में एटलीस्ट। जी जी, एनसीएस के अंदर ही आएंगे सारे पॉइंट्स बच्चे। अगर आप गौर करें तो जो आपके जितने एनवायरमेंटल इश्यूज हैं वो सारे के सारे किसी भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, ठीक है। इट मेक्स इजियर बेसिकली, ये बहुत आसान आपका एरिया है, बहुत आसान एरिया है, और इसमें से हर साल क्वेश्चन भी आ जाता है। सबसे आसान यही है और सबसे ज्यादा मैं बोर होता हूँ इसको पढ़ाते हुए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो समझाने के काबिल हो, तो मैं थक जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार मैं दिस की पढ़ा, दिस जनरल डिस्क्रिप्टिव चीज़ा समझ रहे मेरी बात। इसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं जो समझाने के काबिल हो, इसीलिए इसीलिए मैंने थोड़ी सी चालाकी कर रखी है कि जो चीजें इस तरह की हैं पॉलिसीज और ट्रीटीज वगैरह हैं उसके ऊपर मैंने रीडिंग मटेरियल रखवा दिया। मैं कहता हूँ ये पढ़ लें आप। सर ये नोट्स में इतना ही काफी है या थोड़ा सा एलैबोरेट और कर? नहीं बच्चे वकार हुसैन, जो नोट्स में है ना आप अगर वही पढ़ लेना तो मोर देन इनाफ है, मोर देन इनाफ है। वो नोट्स में जितना लिखा है ना उसका आपने 60-70% भी अगर पढ़ लिया, आपने याद कर लिया, लिख लिया, तो वो मोर देन इनाफ है, वो मोर देन इनाफ है। नोट्स में पॉइंट्स काम में आपने ज्यादा बताए, ऑब्वियसली हिना मैं तो ज्यादा बता दूंगा समटाइम, मेरा क्या है, मेरा भी कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर तो है नहीं, मैं भी शुरू हो जाता हूँ बस, ठीक है, तो वो उस पर भी नहीं जाना। द नॉलेज हैज नो लिमिट ना, नॉलेज या इंफॉर्मेशन जो है वो इट हैज नो लिमिट, ठीक है। मैं क्या बात कर रहा था, पॉल्यूशन कंट्रोल के बाद अल्लाह भला करे आपका पॉल्यूशन कंट्रोल के बाद मखल आ रहे हो यार। नेक्स्ट चले जाए कोस्टल एंड मैरीन रिसोर्सेज पे, कोस्टल एंड मैरीन रिसोर्सेज पे। अब कोस्टल रिसोर्सेज के अंदर डियर स्टूडेंट्स आपकी जो कराची का बेल्ट है पूरे का पूरा, अब देखें कोस्टल आबादी जो है उसकी ज्यादा डिपेंडेंसी रहती है फिशरीज के ऊपर, यानी एज अ प्रोफेशन लोग चलाते हैं माहीगिरी को या फिशरीज को ना, वो मछलियां पकड़ के बेच रहे हैं बेसिकली, तो उसी के ऊपर आपने ये किया। आपने कहा जी कि पहले हम जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन सॉरी स्टडीज जो है वो कंडक्ट करवाएंगे। क्यों स्टडीज कंडक्ट करवा रहे थे? जस्ट टू गेट नो कि अच्छा जी कितने हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन डाटा आए, हम देख सकें कि भाई कितने लोग जो हैं वो इस प्रोफेशन के साथ कनेक्टेड हैं, ताकि उनको अल्टरनेटिव जॉब्स एम्प्लॉयमेंट्स देके जो फिशरीज की ओवर एक्सप्लोटेशन हो रही है उसको रोका जा सके। तो इसके लिए जरूरी था कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन सॉरी सोशियो इकोनॉमिक स्टडीज कंडक्ट होती, जो कंडक्ट हुई और ना सिर्फ वो कंडक्ट हुई उसके बाद आपने अल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज आप नहीं दे पाए, उसके अलग रीजन है। बाय द वे इसके ऊपर आपके कोस्टल लाइन के अंदर ही आपने मैरीन पॉल्यूशन कंट्रोल कमीशन भी बनाया था, लेकिन वो यहां पे नहीं आएगा क्योंकि वो एनसीएस के अंदर नहीं है, वो बात की डेवलपमेंट थी। तो खैर कोस्टल रिसोर्सेज जो हैं उसको प्रोटेक्ट करना, ये बेसिकली आपका मकसद था, ये बेसिकली आपका पर्पस था। इसी तरीके से नेक्स्ट आप ऐड करेंगे फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ऐड करेंगे फॉरेस्ट मैनेजमेंट में। अब देखें जी फॉरेस्ट मैनेजमेंट की आप बात करें, ट्रीज की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो इसमें एक जनरल सा क्राइटेरिया आप ध्यान में रख लें, चाहे कोई भी पॉलिसी हो पाकिस्तान की हुकूमत की या इंटरनेशनल ट्रीटी, वो यही चीजें आएंगी कि ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ प्लांटेशन को रोकना है, डिफॉरेस्टेशन को खत्म करना है, जो इलीगल कटिंग है उसको खत्म करना है, टिम्बर माफिया को नकेल डालनी है, प्रिजर्वेशन की तरफ जाना है, ग्रीन प्लांटेशन की तरफ जाना है, एफॉरेस्टेशन की तरफ
जाना है, रिफॉरेस्टेशन की तरफ जाना, यानी ये अगेन कॉमन चीजें हैं, अगेन कॉमन चीजें हैं। मैनेजमेंट साथ में लगा हुआ है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो जब मैनेजमेंट साथ में लग जाए तो दैट मीन्स कि यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूशन या किसी अथॉरिटी वगैरह की इन्वॉल्वमेंट है। तो उसके लिए जरूरी था कि अच्छा जी पाकिस्तान के अंदर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आप बना लेते, जो आपने बाद में बनाई, आपके यहाँ जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उसको आप मोबिलाइज करें ताकि इन चीजों को कर सके। तो आइडिया इसके यही चीजें करके आपने ओवरऑल जो एक नेचुरल रिसोर्स फॉरेस्ट की शक्ल में आपके पास मौजूद है, आपने उसको प्रोटेक्ट करना था, आपने उसको पाकिस्तान के अंदर प्रोटेक्ट कर, नहीं प्रोटेक्ट किया आपने, मैं नहीं कहूं कि प्रोटेक्ट किया, नहीं किया आप। 1992 के बाद हमारा जो टोटल जो रकबा है जिसके ऊपर फॉरेस्ट मौजूद है वो लेस देन 5% है। आपकी लीगल कटिंग इतनी ज्यादा हुई है कि कुछ हिसाब नहीं है। प्रैक्टिकली तो आपने कुछ भी नहीं किया हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली जो चीजें हुई हैं या कुछ नहीं किया ये हमारा कंसर्न ही नहीं है, हमने सीएसएस करना है। तो सीएसएस में ना तो वह उसने आपसे पूछना है, उसने सीधी सीधी पॉलिसी पूछनी है और आपने बता देनी है कि बाबा यही काम करना था और ये हो गया बस। इसी तरीके से फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बाद डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आप चले जाएंगे क्या, कितने सेक्टर्स हो गए जी, कितने सेक्टर्स हो गए, ओके एनर्जी भी ऐड कर लें, और एनर्जी में वही अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज पे जाना था आपने और सारी चीजें, बस बस जनाब चलें ब्रेक करते हैं जी, इसके बाद ब्रेक के बाद मुलाकात होती है, ठीक है ब्रेक कर लें, ब्रेक कर लें जी, ब्रेक क्या याद करोगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी, स्पेशली हमारे पास जो हमारे फाइनेंशियल पार्टनर्स थे उनके अंदर एक तो सीडा थी, सीडा इज अ बेसिकली कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, आई रिपीट सीडा, कैपिटल में सीडा, SCIDA, सीडा कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट। और सीडा हैड कंट्रीब्यूटेड अबाउट 2% इसका ओवरऑल टोटल सम के अंदर, टोटल आपकी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको मिली 2% कंट्रीब्यूशन जो है वो सीडा का था। By the way, इसके अलावा सीडा का भी काफी रोल था कि टेक्निकल एक्सपर्टीज आपने सीडा की इस्तेमाल की है, आपने कंसल्टेशंस के प्रोसेस में भी सीडा को इन्वॉल्व किया था। तो सीडा रिमेन द बेसिकली मेजर पार्टनर इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। इसके अलावा आपका वर्ल्ड बैंक और IMF जो है उन्होंने बेसिकली फाइनेंशियल जो आपको नीड्स थी उनको उन्होंने पूरा किया, और पाकिस्तान हैड रिसीव्ड अप टू 2 to 3 million US dollars, सॉरी बिलियन US dollars on annual basis right from 1993 up to 2008 तक आपने लगातार जो है इतना पैसा जो कि एक ग्रीन फंड के अंदर आपको मिल रहा था, एनवायरमेंट को बेहतर करने के लिए आपको मिल रहा था। नहीं थैंक यू, ये पैसे जो मैंने कहा कि 2 to 3 billion US dollars आपको रिसीव आपने रिसीव किए ऑन एनुअल बेसिस, ये तमाम के तमाम पैसे आपको जो मिल रहे थे यही पैसा आपने जो है वो इन्हीं सेक्टर्स के ऊपर लगाना था, इरिगेशन सिस्टम के ऊपर लगाना था, वाइल्ड लाइफ की बेहतरी के ऊपर लगाना था वगैरह वगैरह। तो ऑब्वियसली आपको पैसे मिले, जब पैसे मिलना शुरू हुए, मिलने के बाद स्टूडेंट्स ऐसे हुआ कि आपकी ऑब्वियसली जिन्होंने पैसे दिए आपको उन्होंने आपसे पूछना था कि बाबा हम दसो कितने लाए तुम पैसे सारे, तो उन्होंने आपके पास एक इंडिपेंडेंट टीम जो है वो भेज दी जिसने इंडिपेंडेंटली आके इस ओवरऑल इस स्ट्रेटजी की जो परफॉर्मेंस थी, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी, उसको आके रिव्यू किया, और रिव्यू करने के बाद दे केम अप विद अ पर्टिकुलर रिपोर्ट जिसको हम MTR रिपोर्ट कहते हैं या मिड टर्म प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर MCS के नाम से याद करते हैं, MTR मिड टर्म रिपोर्ट ऑफ MCS। अब वो जो मिड टर्म एनुअल मिड टर्म रिपोर्ट थी जिसके अंदर ऑब्वियसली उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए थे, उसमें जो मेजर जो रिमार्क्स उनकी तरफ से हमें मिले, पहली बात कि उन्होंने हमारी एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया उस इंडिपेंडेंट टीम ने जो कि यहाँ पे आपकी NCS की इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू करने के लिए तशरीफ लाई थी, ठीक हो गया जनाब। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी रिमेंड हाईली इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोड्यूसिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इन पाकिस्तान। अवेयरनेस की अगर बात करें, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की अगर बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर इस स्ट्रेटजी की वजह से आपकी इन्वायरमेंटल अवेयरनेस जो है वो बहुत हद तक इंक्रीज हुई है, बहुत हद तक बेहतर हुई है आपकी इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, ठीक हो गया जनाब। इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स न सिर्फ ये, इसी के साथ साथ बेसिकली आपका जो इंडिपेंडेंट टीम थी उन्होंने ये भी कहा कि जनाब इस सेंसस की वजह से पाकिस्तान की जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है
उसके अंदर भी एक वाज़े फर्क जो है वो हमें देखने को मिला है कि जी इंस्टीट्यूशंस जो पाकिस्तान के हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है। ये भी एक बड़ा बेहतर रिमार्क था उनकी तरफ से। अच्छा, उन्होंने ऐसे क्यों कहा इसके ऊपर मैं बात करूंगा। इसके अलावा दे स्टूडेंट्स उन्होंने ये कहा कि आपकी जो एमसीएस है ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग इंप्रूव हो गई है, अवेयरनेस भी आपकी इंप्रूव हुई है, बट स्टिल पाकिस्तान जो है एक, अगर देखा जाए एक नेशनल सस्टेनेबल पॉलिसी के तौर पे अगर देखा जाए, या सोहेल नवाज वही टॉपिक है, अभी खत्म नहीं हुआ था एनसीएस, उसी के ऊपर बात चल रही है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि जनाब दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी हैज नॉट एडिक्वेटली फोकस्ड एज अ नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। ना कि ठीक है आपने अवेयरनेस जो है उसको इंक्रीज किया है, ठीक है आपकी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इंप्रूव हुई है पाकिस्तान में, बट स्टिल पाकिस्तान के अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मामला है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अभी तक पाकिस्तान उस तरीके से इंटीग्रेट करने में, पाकिस्तान उस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने में कामयाब नहीं हुआ। तो यही वजह थी कि उन्होंने जो है स्टिल अपने रिमार्क्स में यह कहा कि पाकिस्तान स्टिल नीड्स फर्दर एफर्ट्स, कि आपको और एफर्ट्स दरकार हैं, अभी पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि और ज्यादा काम करे इसके ऊपर। तो उसके बाद ये उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की और हमें दी, और जो लॉबीज थी ऑब्वियसली जो आपके फाइनेंशियल पार्टनर्स थे उनके साथ भी ये रिपोर्ट शेयर हुई, और उसके बाद ना तो वो लोग वापस आए ना वो पैसा वापस आया, ठीक है। उसके बाद आपको जो पैसे मिल रहे थे ऑब्वियसली कोई रीजन थी जिसकी वजह से उन्होंने पैसे नहीं दिए। अब मसला रह गया कि अच्छा उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जी अवेयरनेस क्रिएट हुई या इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी क्रिएट हुई। बेसिकली हमने उनके साथ इंफॉर्मेशन को शेयर किया, हमने उन्हें बताया कि बाबा आपने हमें ये पैसे दिए थे और हमने यहाँ यहाँ लगाए, कहाँ लगाए, हमने क्या क्लेम किया। हमने ये कहा कि जी हमने थ्रू आउट पाकिस्तान जो है वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट करवाई हैं, थ्रू आउट पाकिस्तान हमने अवेयरनेस सेमिनार्स कंडक्ट करवाए हैं जिसमें हमने स्कूल्स को टारगेट किया है, जिसमें हमने इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया है। और ना सिर्फ ये किया हमने, हमने जी पाकिस्तान का जो हमारा स्टाफ है, हमारे जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो सीएसपी ऑफिसर्स हैं और बाकी जो हमारा रेलिवेंट जो स्टाफ है, उनकी हमने ट्रेनिंग्स के ऊपर हमने जी पैसा खर्चा है और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की है। इसी यही वजह थी कि उनका कहना बनता था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी या जो कैपेसिटी बिल्डिंग है ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स की वो इंप्रूव हुई है, यही वजह थी। इसके अलावा हमने ये कहा, बल्कि ये कहा नहीं बल्कि किया भी था, आपके 1990s में आप में से जो 90s का बच्चा उसको पता होगा कि जो हमारा पाकिस्तान टेलीविजन है, पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी के ऊपर आपने ब्रॉडकास्टिंग जो है उसका आगाज किया, एनवायरमेंट को लेके आपने अवेयरनेस, वो सोना चांदी प्रोग्राम लगा करता था किसी वक्त, ठीक, वो इवनिंग में ना 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद लगा करता था पीटीवी पे। तो आपने ये कहा जी कि हमने ये रेडियो को इस्तेमाल किया है, आपने हमने जी ये पाकिस्तान टेलीविजन को इस्तेमाल किया है फॉर द सेक ऑफ कि आप जो एनवायरमेंट का जो मसला है, एनवायरमेंट के ऊपर जो अवेयरनेस है वो लोगों तक पहुंच सके, एग्रीकल्चर के ऊपर जो मसाइल हैं ताकि वो लोगों तक जो है वो पहुंचाए जा सके, लोगों को अवेयर किया जाए। तो हमने ना सिर्फ आपने मीडिया को इस्तेमाल किया उस वक्त जो अवेलेबल था, इसके अलावा यू कैम अप विद द डिफरेंट पब्लिकेशंस एज वेल, आपके शुमारे या जरीदा कहना ज्यादा मुनासिब होगा उर्दू में, जैसे जर्नल्स नहीं आप कहते जर्नल्स विद जे कि जी आप पब्लिश करते हैं, तो आपने इन्वायरमेंट के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर एक्सेट्रा आपने जी मुख्तलिफ किस्म के जर्नल्स जो हैं वो पब्लिश किए और उनको आपने स्प्रेड किया थ्रू पाकिस्तान, जितने भी आपके इंस्टीट्यूशन थे वहां तक आपने भेजा। आगे लोगों ने पढ़ा उनको या नहीं पढ़ा ये एक सवालिया निशान है, और कितना पढ़ा अब ये तो नहीं गेज किया जा सकता, लेकिन हुकूमत का काम था कि इसको प्रिंट करे और इसको पहुंचाए आगे ह्यूमन तक, सॉरी जनरल पॉपुलेशन तक, जो हुकूमत ने किया। तो आपने ये चीजें क्लेम की और इसी तरीके से हमारा एनसीएस का जो मामला है यहाँ पे क्लोज हुआ चाहता है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब एनसीएस आपकी हुई 1992 के अंदर, ठीक है। अब जैसे शुरू में ग्रीन फंड आयशा बच्चे 2 से 3 बिलियन यूएस डॉलर आपने एनुअल बेसिस पे रिसीव किए राइट फ्रॉम 1993 अप टू द ईयर 2000, 8 साल ऑलमोस्ट बनते हैं, ठीक है। अब इसके बाद 1992 के बाद डियर स्टूडेंट्स, 1992 के बाद डियर स्टूडेंट्स आपने जो पीपा एक्ट जो है, जो मैंने पहले भी जिक्र किया था ईआईए के अंदर हमने जिक्र किया था कि पीपा एक्ट जो है वो आपने फॉर्मुलेट किया, डिजाइन किया। अब ये जो पीपा एक्ट था, पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज एक्ट, क्या नाम है पूरा जनाब, आई रिपीट, पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन
एक्ट, एक्ट है ना, एक्ट। अब एक्ट दैट मींस कि सम काइंड ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, सम काइंड ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट बेसिकली, ठीक है, लेजिस्लेशन है, ठीक है। तो अब ये जो पीपा एक्ट है जो आपने 1997 में आपने जी फॉर्मुलेट किया, यहाँ पे थोड़ी देर आप लेक्चर के स्टार्ट में चले जाएं, या इस टॉपिक के स्टार्ट में चले जाएं, जहां पे मैंने अर्ज किया था आपसे कि जी आपने पाकिस्तान के अंदर जो है वो 1983 के अंदर जो है एक ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने पास किया था, और उस ऑर्डिनेंस के तहत जो है ये अग्री हुआ था, आपका ये बेसिकली प्लान था कि जी हमने पाकिस्तान में एक काउंसिल बनानी है और दूसरा एक एजेंसी बनानी है, ठीक है। तो जब आपने पीपा एक्ट 1997 में आपने फॉर्मुलेट किया, तो इस एक्ट के अंदर उन्हीं दो चीजों को जो कि आपने 1983 के अंदर जो है वो आपने प्लान की थी, उन दोनों को आपने एस्टैब्लिश कर दिया, यानी अंडर दिस पर्टिकुलर पीपा एक्ट ऑफ पाकिस्तान, अंडर दिस पर्टिकुलर पीपा एक्ट ऑफ पाकिस्तान द टू थिंग्स वर एस्टैब्लिश्ड। अब वो दो चीजें जो एस्टैब्लिश हुई वो कौन सी थी? नंबर वन इज पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल, नंबर वन वॉज पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल। अब काउंसिल का लफ्ज है ना काउंसिल, अब काउंसिल क्या होती है, क्या होती है, ऑब्वियसली कुछ मेंबर्स होते हैं, एक आध बंदा उसमें से चेयर कर रहा होता है उसको। तो आपने काउंसिल बनाई, इससे पहले पाकिस्तान के अंदर एनवायरमेंट के ऊपर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर किसी किस्म की कोई काउंसिल वगैरह, कोई बॉडी वगैरह मौजूद नहीं थी। तो लिहाजा आपने इस कमी को पूरा कर दिया, आपने एक पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल बना डाली। अब इस काउंसिल के अंदर बेसिकली आपने जो लीड रोल दिया वो आपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को दिया, आपने कहा कि जनाब अंडर दिस पर्टिकुलर पीपा एक्ट जो काउंसिल हम बना रहे हैं, इस काउंसिल को हमेशा पाकिस्तान का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसको चेयर करेगा, यानी चेयरमैन या चेयर पर्सन जो है वो हमेशा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा। जैसे आजकल खान साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, तो इस वक्त दिस काउंसिल इज हेडेड बाय द इमरान खान, पहले नवाज शरीफ साहब थे, तो दिस काउंसिल वॉज हेडेड बाय द नवाज शरीफ साहब, ठीक हो गया जनाब। सो चेयरमैन या चेयर पर्सन जो है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहेगा, रहता है इस पर्टिकुलर काउंसिल का। अब बाकी जो इसके अंदर जी इसकी कंपोजिशन की अगर बात की जाए, तो डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर बाकी जो आपकी रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो एज अ मेंबर इसके अंदर मौजूद होती हैं, वो एज अ मेंबर इसके अंदर मौजूद होती हैं, एज अ मेंबर। जैसे कि जैसे जी मिनिस्ट्री फॉर क्लाइमेट चेंज जो है वो एज अ मेंबर मौजूद रहेगी, जैसे कि मिनिस्ट्री फॉर इंडस्ट्रीज है वो एज अ मेंबर मौजूद रहेगी, जैसे कि मिनिस्ट्री फॉर फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन है वो एज अ मेंबर मौजूद रहेगी, जैसे कि मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर है तो वो एज अ मेंबर मौजूद रहेगी, जैसे कि मिनिस्ट्री फॉर फाइनेंस है तो वो एज अ मेंबर मौजूद रहेगी, मिनिस्ट्री फॉर प्लानिंग डिवीजन जो है आपकी वो भी एज अ मेंबर। यानी ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर कर रहा है, और इसकी कंपोजिशन में बाकी जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो आपकी एज अ मेंबर इस काउंसिल के अंदर मौजूद होती हैं। यानी ओवरऑल दिस काउंसिल इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ वन चेयरमैन और चेयरपर्सन, और बाकी जो इसके अंदर है, अब ये मिनिस्ट्री पे डिपेंड करते हैं कि किसी सेक्रेटरी को, एडिशनल सेक्रेटरी को, या मिनिस्टर को चला जाएगा मेंबर उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक हो गया जनाब। सो एक काउंसिल आपने बना ली, अब ये काउंसिल क्यों बनाई आपने, क्या तकलीफ थी आपको? जी स्टूडेंट्स, ये जो काउंसिल आपने बनाई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल के नाम से, जो स्टूडेंट्स इस काउंसिल का जो बेसिकली काम है, इसके जो फंक्शंस हैं, इसकी जो पावर्स हैं, वो इस तरह से हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एनवायरमेंटल पॉलिसीज हैं, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एनवायरमेंटल पॉलिसीज हैं उनको अप्रूव करना इस काउंसिल का काम है। कोई भी इन्वायरमेंटल पॉलिसी को बना रहा है, बेसिकली ईपा को बना रही है, या क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री बना रही है, सो फाइनल जो आपका अप्रूवल है इस किसी भी इन्वायरमेंटल पॉलिसी का, वो आपकी इस काउंसिल के हाथ में है। ये काउंसिल जो है रिस्पॉन्सिबल है टू अप्रूव सर्टन इन्वायरमेंटल पॉलिसीज। न सिर्फ इन्वायरमेंटल पॉलिसीज को ये काउंसिल अप्रूव करती है, इसके अलावा इट इज जस्ट लाइक अ वॉच डॉग जो कि ऊपर टॉप पे बैठी है, ये सुपरवाइज करती है, ये कोऑर्डिनेशन का काम करती है, ये इन्फोर्समेंट की लुक आफ्टर करती है कि कोई भी इन्वायरमेंटल पॉलिसी है, ठीक है, तो उसको उसकी सुपरविजन, उसके रिलेटेड जो कोऑर्डिनेशन का काम है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम है, डायरेक्शंस देनी है किसी को, आपने तनबीह करनी है, अच्छा ये कर लें, वो ये ना करें, ये कर लें, ये ना करें, एक्सेट्रा, ये चीज ठीक है, ये खराब है, वगैरह वगैरह। क्यों ये चीज करती है काउंसिल? क्योंकि देखा इसके अंदर सारी आपको मिनिस्ट्रीज के मेंबर्स जो है वो मौजूद होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर खुद भी सिटिंग में होते हैं, जी बैठे होते हैं, तो ही और शी कैन इजीली डिसाइड व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुडंट बी डन, ठीक हो गया जनाब। सो बेसिकली इस काउंसिल का काम कोऑर्डिनेशन का है,
सुपरविजन का है और इन्फोर्समेंट को ओवरसी करना है, सुपरवाइज करना है और पॉलिसीज को अप्रूव करना है। इसके अलावा भी आपके इसके फंक्शंस हैं, जैसे कि आपके जो नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, जिसका हमने कहीं भी लेक्चर में जरूर जिक्र हुआ होगा, NEQs हैं, NEQ चाहे वो EIA के रिलेटेड NEQs हों, चाहे वो वाटर के रिलेटेड NEQs हों, चाहे वो एयर के रिलेटेड NEQs हों, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो जो NEQs हैं उनको भी अप्रूव करना वो इस काउंसिल का काम है, यानी दिस काउंसिल हैज द अथॉरिटी टू अप्रूव और डिसअप्रूव द पर्टिकुलर NEQs। तो जब आप NEQs, by the way, मैं mention करता चलूं, NEQs develop करना इस council का काम नहीं है। ये council क्या कर रही है? कि this council is responsible to approve the NEQs, approval authority है इसके पास, approving authority है, ठीक हो गया जनाब। इसी तरीके से the students, ये जो council है basically, इसका अगर और functions को देखा जाए तो आपकी जितने भी ये क्या नाम है इसका meetings basically ये call कर सकती है, meetings conduct कर सकती है, ठीक है। अब ये depends upon the availability of the prime minister कि आपकी जी 15 दिन के बाद मीटिंग होती है, महीने के बाद होती है, 6 महीने के बाद होती है, environment के मसले पे या साल में होती है या होती नहीं है। अगेन इसमें प्राइम मिनिस्टर ही सोली रिस्पॉन्सिबल है, जब उसकी अवेलेबिलिटी होगी तो वो मीटिंग होगी। अलबत्त पीरियोडिक मीटिंग्स होना ये लाजमी करार दिया था आपने इस पैक्ट के अंदर कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस काउंसिल को, इस काउंसिल की मीटिंग जो है वो कॉल करेगा और आपके ताकि इश्यूज जो है या इश्यूज आपके जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, उनको प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया जा सके और किसी नतीजे पे पहुंचा जा सके। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये जो आपकी काउंसिल है ये पाकिस्तान के अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मामला है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इंटीग्रेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अपना क्या कहते हैं उसको अपना इंटीग्रेशन के साथ साथ क्या कहते हैं उसको अपना प्रमोशन है, उसके लिए भी आपकी यही काउंसिल जिम्मेदार है। यानी पाकिस्तान के अंदर SD यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आइडिया को प्रमोट करना ये इस काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए जो एफर्ट्स दरकार हैं वो ये करेगी। अच्छा, इसी के साथ साथ ये जो काउंसिल है इसके पास ये अथॉरिटी है, ये भी इसका काम है, ये जॉब है इसकी, कि अगर आपके यहाँ कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, कोई साइंटिफिक एक्सपर्टीज चाहिए, तो टेक्निकल या साइंटिफिक एक्सपर्टीज जो आपके मुल्क में नहीं है, जो आपके मुल्क में there might be the cases, हो सकता है जी आपको कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करना पड़े जिसमें जिसके लिए आपके पास लैब अवेलेबल ना हो, इक्विपमेंट मौजूद ना हो, हो सकता है जी आपको कोई बंदा दरकार है जो स्पेशलिस्ट है किसी चीज में और आपके मुल्क में ना हो, अब आपने चीजें आउटसोर्स करनी है, बाहर से आपने मंगवानी है, ठीक हो गया। तो उस केस में भी टेक्निकल एक्सपर्टीज, साइंटिफिक एक्सपर्टीज वगैरह इन तमाम चीजों को अरेंज करना, आई रिपीट इन तमाम चीजों को अरेंज करना, आई रिपीट इन तमाम चीजों को अरेंज करना, टेक्निकल एक्सपर्टीज को अरेंज करना, ये आपकी इस पर्टिकुलर काउंसिल का काम है, इस पर्टिकुलर काउंसिल का काम है। ना सिर्फ आपका यही काम है, ये इस काउंसिल के पास ये अथॉरिटी है, बाय द वे ये पाबंद है, अथॉरिटी पाबंद है। देखिए आपके पाकिस्तान के नेशनल इन्वायरमेंट को लेके, नेचुरल इन्वायरमेंट पूरे पाकिस्तान की गिलगित से लेके कराची के साहिल तक पूरा जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर जो है आपकी एनुअल बेसिस पे आपकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिश होती है, ठीक है। नेशनल एनुअल रिपोर्ट्स आपके यहाँ पब्लिश होती हैं, नेशनल इन्वायरमेंटल रिपोर्ट्स जो है वो आपके यहाँ पब्लिश होती हैं, यू कैन चेक देम एज वेल, ईपा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं वहां पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो उन रिपोर्ट्स को कंसिडर करना इस काउंसिल का काम है, ना सिर्फ वो कंसिडर करें उसको भी इंपॉर्टेंस देना भाई। आपके पास एक रिपोर्ट आई है तो बाबा आप थोड़ा सा वक्त निकाल के, प्राइम मिनिस्टर साहब आप थोड़ा सा वक्त निकाल के, मेंबर्स जो हैं जनाब आप थोड़ा सा वक्त निकाल के उस रिपोर्ट को पढ़ें, या आपके पास इतने सेक्रेटरीज हैं, इतने आपके पास जनाब लोग अपने असिस्टेंट्स के लिए रखे हुए हैं, तो उनको कहेंगे आप पढ़ के इसके मुझे क्रैक्स बता दें, ठीक है। तो उस रिपोर्ट को पढ़ना, उस रिपोर्ट को कंसिडर करना और फिर उस रिपोर्ट के अंदर जो वीकनेसेस, जो लूप होल्स आपको नजर आते हैं उसके ऊपर अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस देना, कहीं पे अगर आपने कोई ऑर्डर पास करना है, हो सकता है जी कोई ऐसी चीज आपके सामने नजर आई हो कि जिसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन दरकार हो, हो सकता है जी किसी कोई ऐसी चीज नजर आई हो जिसके ऊपर कोई लॉ बनाने की जरूरत पड़ सके, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की करने की जरूरत पड़ सके। तो लिहाजा इन दैट केस आपकी ये काउंसिल जो है ये नेशनल एनवायरमेंटल रिपोर्ट को कंसिडर भी करेगी और कंसिडर करने के साथ साथ ये अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस देने की भी पाबंद रहती है, अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस देने की भी पाबंद रहती है। इसके अलावा ये काउंसिल जो है ये अगर कोई ऐसा इशू हो गया जहां पे
कोई जी कोई स्पेसिफिक या अलग तरीके से कोई कमेटी बनाना पड़ गई, जैसे होता अच्छा जी ये करप्शन का मामला हो गया जी, फलां जजेस पे मुश्तमिल फलां इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से एक एक बंदा उठा के कमेटी बना दो और आप ये मसले को इन्वेस्टिगेट कराएं, ठीक है। तो जहां पे इन्वायरमेंटल इश्यूज तक का ताल्लुक है या इन्वायरमेंटल इश्यूज अगर इस तरह के आपके मुल्क में होते हैं या इमर्ज हो जाते हैं एकदम, तो जरा उन इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर आप जो है वो बेसिकली कमेटीज जो हैं स्पेसिफिक कमेटीज जो हैं वो आप बना सकते हैं, और ये कमेटीज बनाने की जो अथॉरिटी है जो इसकी कैपेसिटी है जो इसका काम है बेसिकली वो किसका है, इस काउंसिल का। अब यानी दिस काउंसिल हैज अथॉरिटी टू कॉन्स्टिट्यूट सर्टन कमेटीज कि जहां पे जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं कि हमें उठ के कमेटियां बनाना शुरू कर देना, जहां पे जरूरत पड़ेगी। सपोज ही जैसे ग्लेशियर्स आपके बड़े तेजी से मेल्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ना हो, नासा ने तो कहा कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद थोड़ा सा अकल का मुजाहरा करें या तो वो हाथ मारें और आप को कमेटी बनाएं और मुल्क के जो नामी गिरामी जो लोग हैं जिनका हाइड्रोलॉजी से ताल्लुक है जिनका ग्लेशियर्स के ऊपर काम है रिसर्च है, तो उन पर उनको साथ रख के आप एक कमेटी बनाएं और उस मसले को देखें, तो ना सिर्फ उस मसले को देखें उसकी प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स के ऊपर बात करें एक्सेट्रा। तो लिहाजा इस तरह के काम भी आपकी यही काउंसिल का काम है, इसकी जॉब है बेसिकली, ठीक हो गया। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपकी ये काउंसिल जो है इसके अलावा आपके यहाँ आपके मुल्क में जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स वगैरह हैं उनको भी अप्रूव करना, उनको भी अप्रूव करना, ये आपके इस काउंसिल का ना सिर्फ अप्रूवल का बल्कि कुछ हद तक इनकी जो फॉर्मुलेशन है रूल्स एंड प्रोसीजर्स की वो भी आपकी तमाम मेंबर्स का कॉन्सेंट लेके आप कर सकते हैं, तमाम मेंबर्स का कॉन्सेंट लेके आप कर सकते हैं। तो लिहाजा ये काउंसिल हो गई। अब दिस काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश्ड under the PIPA Act of 1997. I repeat, this council, this federal council, federal council was established under the PIPA Act of 1997. Ab, Allah aapka bhala kare, jis students, ek to ho gayi, council ho gayi, iske saath saath, jo dusri cheez aapne establish ki, shuru mein mention kiya, कि जी आपने जी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो आपने एस्टैब्लिश की, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, अब ये जो एजेंसी है ये क्या है, बार बार कहीं ना कहीं जिक्र हुआ होगा सिलेबस के दौरान पढ़ते हुए बाकी लेक्चर्स में कि जी हमारे पास ईपा है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, बेसिकली यही है, ये एक इदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है। और भाई जिस तरीके से तुम लोगों ने करप्ट लोगों को पकड़ने के लिए, करप्शन को पकड़ने के लिए नैब को बना रखा है, इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर इन्वायरमेंट को देखने के लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन के लिए आपने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बना रखी है। जरा हैदर अली की आखा मैं तुम्हें NEQs, National Environmental Quality Standards. अब ये जो एजेंसी है ये एक फेडरल इदारा है, ये एक फेडरल इंस्टीट्यूशन है, फेडरल एजेंसी है। इट इज हेडेड बाय द डीजी, इंडिपेंडेंट डीजी है बेसिकली, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद अपॉइंट करती है। बाय द वे ये जो ईपा का डीजी है ये प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जो है वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है। आई गेस सो कि इस वक्त जो आपकी डीजी है ईपा की उनका नाम जो है वो फरजाना अल्ताफ शाह है, चेक कर लीजिएगा वो चेंज अगर ना हुई हो तो, एमसीक्यूज में अगर आ जाए तो पता होना चाहिए। फरजाना अल्ताफ शाह इज अ डीजी फॉर द ईपा इन पाकिस्तान, ठीक हो गया। नवाज शरीफ साहब ने अपॉइंट किया था इनको, मेरी को सुपरवाइजर थी जब मैं एमएस की रिसर्च कर रहा था, मेरी को सुपरवाइजर थी क्योंकि मैंने सारा काम ईपा में किया था इसलिए। अच्छा अब इदारा तो आपने बना दिया, इंस्टीट्यूशन तो बना दिया, अब ये क्या काम करता है? सीधी सी बात, आसान सी बात कि जनाब ये जो ईपा है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, दिस ईपा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वायरमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान। एक तो है ना आपके पास सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, असिस्टेंट कमिश्नर साहब आएंगे, सीएसएस करके आ गए, पीएमएस करके आ गए, ठीक हो गया। ये जो ईपा है ये इन्वायरमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इसके पास है, इन्वायरमेंटल इंतजामी अमूर जितने भी हैं उसको देखती है ना, सब ये देखती है, कोऑर्डिनेशन करती है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करती है, इंफॉर्मेशन को शेयर करती है, कैसे शेयर करती है? अब भाई ये ईपा तो है जो नेशनल एनुअल रिपोर्ट डेवलप करती है और फिर जहां प्राइम मिनिस्टर साहब के यहां पेश करती है, बाबा ऐसी है बनाई, इसमें इस साल भी है मौलियाती रिपोर्ट है साड़ी,
सो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को शेयर करना, रिपोर्ट बनाना किसका काम है? ईपा का काम है। ना सिर्फ ये ईपा आपका एक ग्राउंड में एक्टर है, यानी हुकूमत का काम है पॉलिसी बनाना एनवायरमेंट के ऊपर, और उस एनवायरमेंटल पॉलिसी को फील्ड के अंदर जाके, उस एनवायरमेंटल पॉलिसी को सोशल लेवल के ऊपर जाके इंप्लीमेंट कराना, वो आपकी इस पर्टिकुलर ईपा का काम है, इस पर्टिकुलर ईपा का काम है। तो तभी तो मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन एक इसके पास अथॉरिटी है। ये जो ईपा है, ये जो आपके मैंने कहा जी के वो एनईक्यूज को अप्रूव करना काउंसिल की जिम्मेदारी है, तो एनईक्यूज को डेवलप करना बेसिकली आपकी ईपा का काम है। ईपा डेवलपमेंट ऑफ एनईक्यूज का काम करेगी, काउंसिल उसको अप्रूव करेगी। इसी तरीके से मैंने कहा जी के एनवायरमेंटल रिपोर्ट जो है उसको अप्रूव काउंसिल करेगी, डेवलपमेंट ऑफ एनुअल रिपोर्ट वो ईपा का काम है। इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स आपके यहाँ जो पर्टिकुलर ईपा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल के ऊपर इसका काम है। ये डायरेक्टली जो है वो कंट्रोल करती है, डायरेक्टली कंट्रोल करती है किसको? एनजीओस को कंट्रोल करती है, डायरेक्टली किसको कंट्रोल करती है? फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करती है। यानी इसके हाथ में जो आपके सोसाइटी के बिगेस्ट हैं, बिगर्स हैं, यानी जो इंडस्ट्रियलिस्ट कम्युनिटी है वो इसके हाथ में है बेसिकली, डायरेक्टली उनको कंट्रोल करती है। द इंडस्ट्रीज, द फैक्ट्रीज, द एनजीओस आर इन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ईपा। समझ आ रही मेरी बात? ना सिर्फ ये, क्यों कैसे कंट्रोल करती है भाई? फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को लिमिट्स ये प्रोवाइड करते हैं, किसी भी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी उसकी ईआईए को ये ईपा अप्रूव करती है। बात हो चुकी है इसके ऊपर। तो लिहाजा इवन अगर आपने कोई कोई लेबोरेटरी वगैरह आप खोलने की सोच रहे हैं, तो लेबोरेटरी का अप्रूवल भी आपको ईपा से लेना पड़ता है, ईपा से ही लेना पड़ता है। लेबोरेटरीज अगर आप एस्टैब्लिश करें, कोई लैब बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी ईपा से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। तो लिहाजा इसके अलावा और भी बड़े फंक्शन है जी, पब्लिक के अंदर जो है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को प्रमोट करना, सेमिनार्स कंडक्ट करना, वर्कशॉप्स कंडक्ट करना, इट इज अप टू द ईपा कि वो कौन सा टूल जो है वो इस्तेमाल करे फॉर द सेक ऑफ के एनवायरमेंटल अवेयरनेस पाकिस्तान के अंदर जो है वो ज्यादा हो सके। इसके अलावा आपके जो भी चीजें, आपके रूल्स वगैरह, रेगुलेशंस आपके बनते हैं एनवायरमेंट के ऊपर, उनको इंप्लीमेंट करना। जैसे प्लास्टिक बैग्स का बड़ा मसला हुआ, तो प्लास्टिक बैग्स की इंप्लीमेंटेशन या उसकी रिडक्शन का काम जो है वो इस ईपा के पास है। ईपा हैज अथॉरिटी, वो जाके देखे कहाँ पे प्लास्टिक बैग इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा। अगर कहीं पे ज्यादा हो रहा है तो बाबा उसको जुर्माना करे, और इनके पास अथॉरिटी है कि ये किसी भी वक्त आपकी फैसिलिटी के अंदर इंस्पेक्ट कर सकते हैं, एंटर हो सकते हैं, बट विद अप्रूवल ऑफ द मजिस्ट्रेट, राइट? तो अप्रूवल लेके वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं आपको। आप अगर कहीं पे वायलेटर हैं, वायलेशन कर रहे हैं, तो ये आपके काम को रोक सकते हैं, आपकी इंडस्ट्री को बंद कर सकते हैं, सील कर सकते हैं, प्रोडक्शन को रोक सकते हैं, जुर्माने डाल सकते हैं, आपके ऊपर केसेस जो हैं फाइल कर सकते हैं। इसके पास बड़ी अच्छी तगड़ी पावर्स हैं अगर इसको काम करने दिया जाए। मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये है कि सीएसएस में जहाँ पे आपने 12 ग्रुप रखे हुए हैं यार, तो वहां पे एक ये ग्रुप भी शामिल कर दो कि इन्वायरमेंटल जो आपका एस्पेक्ट है, इन्वायरमेंटल जो आपके एलोकेशंस हो रही है, क्योंकि ऐसे ही लोग लगे हुए हैं, समझ ही नहीं आ रही। 20वें ग्रेड में लोग लगे हैं, और इन्वायरमेंटलिस्ट तो है कोई नहीं, तो सारे केमिस्ट्री वाले लोग बैठे हुए हैं, सारे बॉटनी वाले लोग बैठे हैं। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो अगर आप लोग प्रोफेशनलिज्म को थोड़ा सा लेके आना है, थोड़ा सा ये कर लें, आप इसके अंदर कर लें, थोड़ा सा इसके लिए भी एग्जाम टाइट कर लें। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, खैर पेपर में ये नहीं लिखना। इसी तरीके से दे स्टूडेंट्स आपकी इसी ईपा जो है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है, इसके पास ही ये अथॉरिटी मौजूद है कि ये आपके, हाँ ये आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। आपने वाटर टेस्टिंग करानी है, ईपा सर्विस प्रोवाइड करेगी। आपने एयर क्वालिटी को मॉनिटर कराना है, ईपा सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। आपने उसकी लैब को इस्तेमाल करना है, तो लॉफुली ईपा इज रिस्पॉन्सिबल टू रेंडर इट्स सर्विसेज, चाहे वो टेक्निकल सर्विसेज हो, चाहे वो साइंटिफिक सर्विसेज हो। ईपा जो है वो सोसाइटीज को फैसिलिटेट करेगी, पाकिस्तानी सोसाइटी को फैसिलिटेट करने की पाबंद है। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग अक्रॉस पाकिस्तान जो है, दिस इज डन बाय दिस ईपा। इनके पास लैब्स मौजूद होती हैं, इनके पास हर चीज मौजूद होती है। बाय द वे, हमारी ईपा के पास इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, आई हैव सीन पर्सनली ये चीजें वहां पे इनके पास हैं। एयर क्वालिटी को चेक करने के लिए जबरदस्त मॉडर्न किस्म की वैन इनके पास मौजूद है, मूवेबल है, जहां पे लेके चले जाएं, आप एयर क्वालिटी को चेक करें। लैब्स इनके पास दुआ देते हैं, जाइका जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, उसने पैसे दिए बहुत ज्यादा, उसने फंड किया हुआ हमारी सीपा की लैब को। खैर अभी वीकनेसेस हैं, देखने की जरूरत है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ऐसा से इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, ठीक हो जाएगा सारा कुछ। ऑप्टिमिस्टिक रहने की जरूरत है। तो खैर
ये जो ईपा है ये बेसिकली तमाम जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उनको देख रही है पाकिस्तान के अंदर। इसी तरीके से इसके अलावा कोई ऐसा फंक्शन जो कि बेसिकली आपकी काउंसिल इसको असाइन कर दे, काउंसिल कहे कि ये स्पेसिफिक मसला इसके ऊपर आप काम करें, तो वो फंक्शन भी परफॉर्म करने की ये ईपा पाबंद रहती है। अब एक तो हमारे पास फेडरल ईपा है, ठीक है, फेडरल ईपा के अलावा वी हैव अ सेट ऑफ प्रोविंशियल ईपास एज़ वेल। सिंध की अपनी है, बलोचिस्तान की अपनी है, पंजाब की अपनी है, केपीके की अपनी है, ना सब ये चार, गिलगित बल्तिस्तान में अपनी ईपा मौजूद है, एजे के राजमुंड कश्मीर वहां पे अपनी ईपा मौजूद है, उनके अपने डीजीज होते हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही है वकार, उनके अपने डीजीज होते हैं। अब वो जो ईपा है दैट वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि 18th अमेंडमेंट में आपने एनवायरमेंटल सब्जेक्ट जो है वो सूबू को दे दिया है, लेकिन स्टिल ये जो फेडरल डीजी है और जो आपके प्रोविंशियल डीजी हैं, दे रिमेन इन कॉन्टैक्ट, दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, दे शेयर्स लेटेस्ट इंफॉर्मेशन विद ईच अदर, सो दैट एक बिगर पिक्चर जो है पाकिस्तान के एनवायरमेंट की उसको लेके आया जा सके और ओवरऑल नेशनल एनवायरमेंट है पाकिस्तान का उसको बेहतरी की तरफ लेके आया जा सके। सो ये तमाम चीजें जो है बेसिकली आपकी ईपा ही करती है। इसके अलावा भी और बहुत सारे काम है, ये जो सर्वेज वगैरह आप करते हैं उन सर्वेज के ऊपर कौन से जी प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, वो जो प्रोसीजर्स वगैरह है उनको फॉर्मुलेट करना, डेवलप करना, ईपा का ही काम रहता है। सैंपल आपने एनालिसिस कराना है तो वो भी आपकी ईपा ही करती है। ईआईए को कंडक्ट भी करती है, बता चुका हूँ, ईआईए को अप्रूव भी करती है, आईडब्ल्यू को कंडक्ट भी करती है, आईडब्ल्यू को अप्रूव भी करती है। सो बड़ा एक बेहतरीन इदारा है, इसके काम जो है बड़े बेहतरीन है अगर करने दिए जाए तो। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों चीजें आपने एस्टैब्लिश की अंडर दी बेसिकली पीपा एक्ट ऑफ 1997। जी जनाब समझ आ गई, जो प्रोविंशियल ईपास हैं उनके फंक्शंस विल रिमेन सेम एज द फेडरल ईपा डू, समझ आ गई मेरी बात की, लेकिन उनकी बाउंड्री डिफरेंट है। पंजाब ईपा है तो वो ये फैजाबाद से उस तरफ पिंडी में, वो पंजाब ईपा जो है कंडक्शन ऑफ ईआईए एंड अप्रूवल ऑफ ईआईए, आसमा रोमान बच्चे ईआईए जो है टॉपिक पढ़ा चुका हूं पूरा, कंडक्शन प्लस अप्रूवल, कंडक्शन प्लस अप्रूवल, ये ईपा के काम है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, हाँ जी कोई समझ आ गई, कुछ पल्ले पड़ा, कुछ गुजारा हो गया कि नहीं, अब अल्लाह वाला करे आज का आखिरी टॉपिक जो है उसका आगाज करते हैं। आज का आखिरी टॉपिक आईडब्ल्यू तारिक जमाल, आईडब्ल्यू इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन हमारे सिलेबस में असल में थी नहीं, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया, हमारे सिलेबस में ये इट इज अ बेसिकली स्मॉलर स्केल। ईआईए से पहले आप किसी भी प्रोजेक्ट की आईडब्ल्यू कंडक्ट करते हैं, ठीक है, इधर कि जी हमें ईआईए कंडक्ट करनी है या नहीं करनी, इट हैज टू बी डिसाइडेड व्हाइल कंडक्टिंग द आईडब्ल्यू इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन। अल्लाह आपका भला करे। इसी तरीके से नेक्स्ट आज के आखिरी टॉपिक पे आ जाएंगे, परेशान नहीं होना आप लोग, थके तो नहीं है, थक गए हैं? अम्बरीन जहांदाद नहीं थकी हैं, शाबाश, थकना नहीं है, नहीं थकना। ओके चलें पॉज ले लें 20-30 सेकंड का पॉज ले लें, जिसका नाम है पाकिस्तान एनवायरमेंटल पॉलिसी। ईपा नो टॉपिक है नोट्स में, जी हिना बिल्कुल है, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, और ये पॉलिसी आपकी आई है 2005 में मुशर्रफ साहब के दौर में, ठीक है, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान 2005 में। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी है
सबसे पहले इसकी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें, यू विल सी कि अच्छा ये वही तो एनसीएस वाली बातें हो रही हैं और तो कुछ भी नहीं हो रहा। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में नंबर वन पे आप लिखेंगे कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन, कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, रिस्टोरेशन एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, ये गोल नंबर वन था, ऑब्जेक्टिव नंबर वन था इस पर्टिकुलर पॉलिसी का। बाय द वे ये पास्ट पेपर में आ चुकी है, 10 नंबर का एक बार क्वेश्चन पूछा, एक बार उसने 5 नंबर का शॉर्ट नोट पूछा। एनईपी, कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, ये गोल नंबर वन था। गोल नंबर टू वॉज इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस इन पॉलिसी मेकिंग एंड प्लानिंग प्रोसेसेस। अच्छा, वही बात कर रहे हैं आप कि प्लानिंग के अंदर आपने एनवायरमेंट को कंसिडर करना है। इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस, इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस, एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस इन पॉलिसी मेकिंग एंड प्लानिंग प्रोसेसेस, इन पॉलिसी मेकिंग एंड प्लानिंग प्रोसेसेस। ऑब्जेक्टिव या गोल नंबर थ्री इज कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। Capacity building of government agencies. And goal number three is meeting international commitments, जो CBD है या बाकी Kyoto वगैरह। Capacity building of government agencies. कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। हिना और वकार ने मेरे ख्याल से नोट्स लिए हुए और नोट्स के अंदर ढूंढ रहे हैं पेज नंबर। अच्छा, इसी तरीके से नेक्स्ट लिखे मीटिंग इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के बाद एक और लिखे अवेयरनेस, कम्युनिटी लेवल के ऊपर जाके अवेयरनेस को क्रिएट करना, क्रिएटिंग मैसिव अवेयरनेस एट कम्युनिटी लेवल, क्रिएटिंग मैसिव अवेयरनेस एट कम्युनिटी लेवल। मैं प्लान कर रहा हूं, अल्लाह मुझे वक्त दे दे, तो नेक्स्ट अपकमिंग मार्च या अप्रैल से ना मैं ये रीडिंग मटेरियल जो रखवाया हुआ है ना, ये भी रखवाना छोड़ दूंगा। और इसको और सिंप्लीफाई करूंगा, और सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट्स को ऑल इन ऑल कहा जाएगा कि यू कैन 100% रिलाई ऑन द लेक्चर्स ओनली, दैट्स इट। ठीक है, इंसान हो इंसान आहिस्ता आहिस्ता सीखता है जी चीजें। Because I have seen के students जो हैं वो sometime confusion का शिकार हो जाते हैं, वो notes लेके फिर पूछते हैं, ओ सर ये notes complete नहीं है, ओ यार मैं तेनु पहले lecture च दस्या सी कि यह notes दो areas से काफ़ी हैं और बाकी तू lecture पे rely करना, ठीक है कि नहीं, तो लिहाजा उस confusion को मैं ख़त्म कर दूंगा, ये reading material रखवाना ही नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं रखवाना, और simplify करके ना बोलूँगा सिर्फ ये lecture है बस और कुछ भी। अच्छा, अल्लाह भला करे, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बाद डियर स्टूडेंट्स आप लिखेंगे सेक्टर्स विच वर एड्रेस्ड अंडर दिस पर्टिकुलर एनईपी। कौन कौन से सेक्टर्स को एड्रेस किया,
कोई भी नए सेक्टर नहीं थे, वही चीजें थी आपकी जो पहले इश्यूज आपके एड्रेस हुए थे, जैसे कि नंबर वन आपने कहा जी कि वाटर मैनेजमेंट के ऊपर, वाटर मैनेजमेंट एज अ सेक्टर आपने ले लिया, वाटर मैनेजमेंट एज अ सेक्टर, वाटर मैनेजमेंट। अब वाटर मैनेजमेंट के ऊपर आपने क्या बातें की इस पॉलिसी के अंदर? कुछ भी नई बात नहीं की, आम सी बातें की हैं आपने कि जी पाकिस्तान में पानी को लेके, वाटर को लेके जी पॉलिसी मेकिंग जो है वो की जाएगी, तो बाद में आपने की। बाय द वे, ये पॉलिसी मेकिंग का काम, लॉज का काम, इंस्टीट्यूशंस का काम, ये आपने बहुत इफेक्टिवली किया है, ठीक है। तो पॉलिसी फ्रेमवर्क आपने जी बनाना था वाटर मैनेजमेंट को लेके, जो आपने बनाया 2009 में ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी आपने बनाई, 2018 में फिर बना दिया आपने। तो खैर, उसके साथ साथ आपने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर जो वाटर की सप्लाई है उसको इन्हांस करना है जी, हमारे जो रूरल साइड है, अर्बन साइड है, वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी जो है उसको इम्प्रूव करना है, लोगों को साफ पीने का पानी जो है उसको अवेलेबल करना है। इसमें भी आपने काम किया। पहले पहले पाकिस्तान के शहरों में हमें फिल्ट्रेशन प्लांट्स नहीं देखने को मिलते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह करे हमारी तरफ आ रही हैं चीजें कि अब फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो है ना वो मिलते हैं। इसके साथ साथ आपने जी जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है बेसिकली उसको इन्हांस करने की बात की कि फैसिलिटीज जो है इन द शेप ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह उसको आपने इन्हांस करना है पाकिस्तान में, वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करना है, वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करना है। और पाकिस्तान के अंदर जो है वाटर पोल्यूशन को काउंटर करने के लिए, वाटर पोल्यूशन को काउंटर करने के लिए लो कॉस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज जो है उनको लेके आना है, जिनको हम अफोर्ड भी कर सकें। इसके साथ साथ आपने कहा जी कि पानी को लेके या वाटर को लेके आपने नेशनल लेवल के ऊपर वाटर कंजर्वेशन एक्ट जो है वो बनाना है। ये भी एक लेजिस्लेशन थी जो आपने की। वाटर कंजर्वेशन एक्ट बना हुआ है जी, पाकिस्तान में मौजूद है। वाटर मैनेजमेंट के बाद, वाटर सेक्टर के बाद एयर क्वालिटी पे चले जाएं आप, अनदर सेक्टर, एयर क्वालिटी को मॉनिटर करना किया जाएगा जी, एयर क्वालिटी को मॉनिटर किया जाएगा। क्वालिटीज जो स्टैंडर्ड हैं, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, उनको आप एस्टैब्लिश करेंगे, डेवलप करेंगे जो आपने किए। पाकिस्तान के अंदर नेशनल क्लीन एयर एक्ट जो है वो बनाया जाएगा जी, जो आपने बनाया, नेशनल क्लीन एयर एक्ट, जो इन्फोर्समेंट है आपके एनईक्यूज की उसको आपने इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना था, इन्फोर्स करना था एनईक्यूज को, तो नहीं कर पाए। इसके अलावा जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां आपके यहां जो रोड पे चल रही हैं, उन व्हीकल्स के ऊपर के लिए स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डेवलप किए जाएंगे, जो बाद में किया आपने लेकिन इंप्लीमेंटेशन उनकी नहीं है कहीं पे। स्टैंडर्ड्स जो व्हीकल्स के, गाड़ियों के को लेके अगर जो स्टैंडर्ड्स हैं, कौन सी गाड़ी की सेहत अच्छी है, चल सकती है, रोड पे चलने के काबिल है या नहीं, इस तरह के स्टैंडर्ड्स। इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स, एयर क्वालिटी के बाद आप चले जाएंगे वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, जिसमें आपने पाकिस्तान के अंदर जो है एक प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करने की बात की, ताकि हमें पता चले, यानी टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जो है आपने इंफॉर्मेशन को शेयर करना था कि कौन सा शहर जो है वो कितना वेस्ट प्रोड्यूस करता है, वो आप रिपोर्ट कर सकें। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है सैनिटेशन पॉलिसी, नेशनल सैनिटेशन पॉलिसी जो है उसको डिवाइज करना है जी, जो आपने की बाद में, नेशनल सैनिटेशन पॉलिसी। मैन्युफैक्चरिंग की भी बिल्कुल बात हुई थी बकार। इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स, नेशनल सैनिटेशन पॉलिसी के अलावा पाकिस्तान ऑयल पोल्यूशन एक्ट आपने बनाना था, वो भी आपने बनाया। इसके अलावा जी आपने मैरीन पोल्यूशन कंट्रोल कमीशन जो है वो आपने बनाने का कहा, जो आपने बनाया, कराची में मौजूद है मैरीन पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट। इसके अलावा आपने जी अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पाकिस्तान में उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का कहा कि हम जी उनको, ताकि वो अपने यहाँ जो टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड कर सकें, बेहतर कर सकें, ठीक है।
यानी इस तरह की जनरल चीजें। लाइसेंसिंग सिस्टम आपने बाय द वे फैक्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए इंट्रोड्यूस कराने की बात की कि अगर आप कोई भी प्रोडक्शन यूनिट ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, ईपा ही लाइसेंस देगी आपको, लाइसेंसिंग सिस्टम मौजूद है। अलग बात है कुछ पैसे शैसे दे के मिल जाता है आपको है। और इसके बाद फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे चले जाएं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और फॉरेस्ट मैनेजमेंट में वही बातें जी, आपने जी फॉरेस्ट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, कंजर्वेशन, फॉरेस्ट्री को इम्प्रूव करना, फॉरेस्ट्री को प्रमोट करना वगैरह वगैरह, इसी तरह की चीजें। फॉरेस्ट्री के बाद बायोडाइवर्सिटी लॉस है, बायोडाइवर्सिटी लॉस को कंट्रोल करना, हंटिंग पे कंट्रोल करना, इस तरह की चीजें, ठीक है। हंटिंग जो है उसको कंट्रोल करना, जो ओवर एक्सप्लोटेशन है बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज की उसको कंट्रोल करना, जो बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करना, जो नेशनल पार्क्स हैं, जूलॉजिकल गार्डन हैं, बोटानिकल गार्डन हैं, उनको एनहांस करना पाकिस्तान में, प्रमोट करना उनको जो नहीं कर सके आप अभी तक। जो यूजेज है बेसिकली आपके बायोडाइवर्सिटी सोर्सेज का उसको रिड्यूस करना, इस तरह की चीजें बायोडाइवर्सिटी लॉस के अंडर। फिर इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपने कहा जी कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर पॉलिसी बनाएंगे, जो आपने बाद में बनाई 2012 में, मिनिस्ट्री आपने बना दी पूरी की पूरी, इंस्टीट्यूशनल सेटअप बना दिया। आपने कहा जी कि इंटरनेशनली जितनी भी एफर्ट्स होंगी क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए या ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट करने के लिए, तो उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। पाकिस्तान किसी भी इंटरनेशनल फोरम के अंदर जो है क्लाइमेट चेंज के मसले के ऊपर या क्योटो प्रोटोकॉल या ओजोन डिप्लीशन के ऊपर जो है वो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, सो दैट के ये जो इश्यूज हैं ये रिजॉल्व हो सकें। इसके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क लेके आएगा जी पाकिस्तान, जो लेके आया पाकिस्तान बाद में। एनर्जी एफिशिएंसी भी आपने बात की, वही बातें जी, एफिशिएंट एनर्जी सोर्सेज और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज की तरफ आपने जाना था, जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स की उसको आपने रिड्यूस करना था, एटसेट्रा एटसेट्रा। एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक को भी आपने यहाँ पे रखा, वही बातें हैं, फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, एक्सेट्रा, ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लेक्चर को रोक रहा हूँ जनाब, मेरी हो गई अब बस। मेरा दिल कर रहा है कि मैं हूं अपनी यह दुकान करा बंद, दुकान समझ रहे हैं ना, दुकान, दुकान से मुराद है लैब।